Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna.
राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कस्तूरि तिलकम् ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोरा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा श्री गोवर्धननाथ की जय करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम् स
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द नामो धर्माधवेति सुखम् शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो धर्माधवे दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नास्तभक्ता किविनाशनानि गोविन्द दामो धर्मा भावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् से पाठ जो करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूयः तमेव प्रत्यप स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की।
सद्गुरु भगवान की। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आनंद कंद पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल द्वंद्व में इस सप्त दिन साध्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सातवें और विराम के दिन हम सब आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हैं। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु के दिव्य श्री विग्रह प्रसन्न वेंकटेश्वर भगवान के चरणों में हम आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हैं। मंदिर में सुविराजित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम। इस पूरे स्थान में विराजमान अष्टमुख नरसिंह और अन्यान्य देवी देवताओं के चरणों में प्रेम से प्रणाम। आज कृतज्ञता पूर्वक हम सब श्रीमद् भागवत की इस पावनी पोथी को प्रणाम करके अंतिम दिन की कथा का रसास्वादन करें। उससे पूर्व इस श्रीमद् भागवत की मोक्षदायिनी पोथी के सामने बैठ करके इतने दिनों से मेरे साथ अनुशासन श्रद्धा और प्रेम पूर्वक यह दिव्य कृष्ण प्रेम यात्रा कर रहे आप सभी भगवान श्री हरि के लाडले भाई बहनों को आदर पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सियाराम, हरिओम। आइए परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं और जो भी समय हमको मिला है हम कृष्ण की बातों को और आगे बढ़ाएं और भगवान की उन लीलाओं में निहित जीवन साफल्य के जो सूत्र हैं उनका कुछ दर्शन करें। जैसे कि कथा प्रवाह से आप सब परिचित ही हैं, रुक्मणी का हरण किया श्री कृष्ण ने। भगवान श्री हरि के जितने विवाह हुए हैं उनको आप देखते चलेंगे तो पता चलेगा कि भगवान को प्रायः किसी सामने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए ही ये विवाह करना पड़ा है। रुक्मणी से विवाह हुआ तो रुक्मणी की इच्छा के कारण हुआ है, भगवान उसका हाथ मांगने नहीं गए थे, रुक्मणी ने ही स्वयं ठाकुर जी को बुलाया था और उसकी सगाई हो गई थी शिशुपाल के साथ, लेकिन भगवान श्री हरि उसका हरण करके लाए। तो कथा तो हम सुन लेते हैं प्रेम से, लेकिन यदि ऐसा कुछ हमारे घर में हो तो कैसा लगता है, क्या होगा? जिस छोरी की सगाई किसी दूसरे के साथ हो गई है और कोई दूसरा आके उसको उठा के ले जाए, सो हाउ विल यू फील? या तो फिर हम सेड कहा ना, अब बताओ भगवान की लीला को तो आप मस्ती से सुनते हो। तो कल तो हम विवाह का आनंद ले रहे थे, मन से भगवान श्री हरि का लगन करा रहे थे, पर ये चीज यदि हमारे घर में हो जाए तो क्या हो, ये सोचा? ये हमने नहीं सोचा। तो सवाल है कि भैया ये रुक्मणी किसकी है? सगाई शिशुपाल के साथ हुई तो शिशुपाल का इसमें क्या दोष है? सगाई शिशुपाल के साथ, विवाह कृष्ण के साथ, रुक्मणी कृष्ण के साथ ज्यादा प्रसन्न है, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है इसलिए प्रश्न पूछा गया कि लक्ष्मी वास्तव में किसकी होती है। दो तीन टाइप की मान्यताएं दुनिया में चलती हैं, जैसे आप जानते होंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं कमाया इसलिए मेरी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहूं व्यसन व्यभिचार में इसको खर्च कर दूं, मैं चाहूं किसी वेश्याओं के नाच गान में उड़ा दूं, मेरी मर्जी, मुझे क्या करना है। किसी ने कहा कि भैया तुम्हारी ये विचारधारा आधी अधूरी और गलत है। कैसे? मैंने इतने घंटों तक काम किया तब जाके मुझे पैसा मिला। कहते हैं ठीक बात है,
पर तुम्हारे पास हैं वो तुमने अपने घर में छापे हुए पैसे नहीं हैं। तुमने कुछ भी व्यापार धंधा किया हो तो ये व्यापार धंधा किसको कहते हैं, जिसमें कम दिया जाए कुछ ज्यादा लिया जाए, यही तो है। पैसा तुमने कमाया ये सही है, लेकिन तुम समाज की जेब से कमाए हो, तुम अपने घर में वो छापने का कारखाना नहीं रखा है तुमने, और रखा भी हो तो गड़बड़, ये हो तो गलत है। पैसा तुम समाज की जेब से कमाए हो इसलिए समाज का है, तुम्हारा है, लेकिन कितना बोले तुम जितना खा सको, और जूम इन करो जितना तुम्हें बचे। लक्ष्मी तुम्हारी जरूर, लेकिन जितना तुमने अपने उपयोग में लिया उतनी, उससे ज्यादा जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास जरूर है लेकिन तुम्हारा नहीं है। चले जाओगे तो पता नहीं उसका क्या होगा। कभी कभी ये लंदन वगैरह में मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे सुनने को मिलता है, छोरे किसी भी काली गोरी से विवाह कर लेते हैं, और माता पिता की जो संपत्ति होती है माता पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा होता है, उसको खुद खाया नहीं, न किसी को खाने दिया, और वो जो संपत्ति है वो उसका बेटा तो कमाने के लिए चला जाता है जहां जाना हो वहां, और ये माता पिता की इकट्ठी हुई करी संपत्ति उसको उसने उसके छोरे ने शादी किसी भी काले गोरी से कर लिया है, तो वो निश्चित करती है कि उस उन पैसों का क्या करना है। गजब है, शायद हमारी बात हुई है यहां पर, मैंने इस विचार को आपके सामने रखा था, इसको जरूर सोचना चाहिए। क्या बोले, जब अंतिम समय आ जाए तब जो बैलेंस पड़ी हो उसकी ओर देख करके सोचना चाहिए कि मैंने इसको कमाने के लिए क्यों व्यर्थ मेहनत करी, ना मैंने खुद खाया, ना मैंने किसी को खिलाया, ना मैंने किसी के काम आने दिया इसको, तो ये जो पड़ा है ऐसे ही इसका क्या, क्योंकि बिना काम किए तो मुझे वो मिला नहीं है, काम तो मुझे तब भी करना पड़ा ना, तो जो काम करके कमाया हुआ है उसको ना मैंने खाया ना किसी और को खिलाया, तो फिर वो क्यों कमाया, और फिर जिसको भी मिलेगा और 40% काट लेंगे उसमें से, यही नियम है ना, जो भी सतत विसल वाले थे। और 40% काट लेंगे तो क्या करना चाहिए ये सोच के चलो। तो एक विचारधारा क्या हो गई, मैं कमाया मेरी संपत्ति है, मैं मेरी मर्जी हो वो करूं। दूसरा विचार यह है कि मैं समाज की जेब से कमाया हूं इसलिए मेरी तो है, लेकिन जितना मैं खा सकूं, जितना उसका मैं उपयोग कर सकूं, बाकी का क्या करना है, बोले समाज से कमाए हैं समाज की ही सेवा में लौटा दो। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी वाले, ये अमेरिका में नियम है शायद, मैंने ऐसा सुना कि उसका कोई भी एम्प्लॉई वो कहीं भी चैरिटी करता है तो जैसे उसने $1,000 का चेक लिखा, उसकी कंपनी उसको और $1,000 देती है कि मेरा कोई भी एम्प्लॉई कुछ भी अच्छा काम करेगा तो जितना वो निकालेगा उतना हम भी निकालेंगे। ये औरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जीई के बारे में मैं जानता हूं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। तुमने कहीं $15,000 की सेवा करी, वो कंपनी भी तुम्हें 15,000 उसमें डालेगी और 30,000 की सेवा कराएगी, ऐसा सुना है मैंने। समाज की जेब से वो पैसा कमाए हो ना, समाज की सेवा में रखो, और लोग समाज की सेवा में रखते भी हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, और क्या क्या समाज की सेवा में नहीं होता। समाज प्रायः अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लेता है, सब कुछ सरकार पर छोड़ दो तो सरकार चले ना, सब टैक्स नहीं भरते, जैसे बच्चे बूढ़े सब टैक्स नहीं भरते, लेकिन सबका खाना पीना, सबको रास्ते लाइट पानी सब चाहिए, ए टू जेड सबको चाहिए, सरकार गिर जाएगी,
सरकार की जेब में पैसा नहीं रहेगा, ये सब कुछ सरकार को करना पड़े, इसलिए फिर सेवा भावी संस्थाएं जो होती हैं वो आगे आकर के फिर वो ऐसे लोग जो कमा करके समाज की सेवा में कुछ रखना चाहते हैं ऐसे लोगों से वो फंड इकट्ठा करके फिर समाज की सेवा में लगाते हैं। और प्रायः जो भी रिटायर हों उनको इस टाइप के काम करने वाले और उसमें फिर जो अपने समय के बड़े लोग रहे हों वो वहाँ तो अब प्रोफेशनल काम तो नहीं करेंगे, उनको वो अब जॉब तो नहीं रही, लेकिन ज्ञान कहाँ जाएगा, वो तो वहीं है। तो फिर वो जो ज्ञान जो पैसा कमाने के लिए काम में लगाते थे उसी ज्ञान को अब क्या करते हैं, बोले समाज की सेवा में लगाते हैं। रिटायरमेंट का ये सबसे अच्छा उपयोग है। कभी सरकार में तुम किसी बड़े पद पर थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर रिटायर होने के बाद में उसी पद पर जो हो उनको मदद करना चाहिए यदि उनको चाहिए। इस टाइप की जो पढ़ाई पढ़ रहे हो उन लोगों को हेल्प होनी चाहिए आपकी ओर से कि हमको ये आता है यदि आप चाहो तो हम आपको सिखाएंगे। ऐसी जब बात आती है तो हमको भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जरूर याद आते हैं। आज वे उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ और दूसरे ही दिन वे किसी कॉलेज के क्लासरूम में खड़े थे पढ़ा रहे थे। वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि वे व्यवसाय से शिक्षक नहीं थे, वृत्ति से शिक्षक थे। 2400 घंटा ज्ञान की ही उपासना। मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं जो 24 घंटा काम नहीं कर सकते उनको शिक्षक नहीं बनना चाहिए, उनको वैज्ञानिक नहीं बनना चाहिए, उनको सैनिक नहीं बनना चाहिए और उनको कथाकार भी नहीं बनना चाहिए। ये सारे लोग 2400 घंटे ऑन ड्यूटी ही होते हैं, उनको कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे उनको प्रेम से उत्तर देने की उनकी ड्यूटी है। वृत्ति से शिक्षक थे, और वृत्ति से शिक्षक थे इसलिए दूसरे ही दिन वहां जाकर के वो खड़े रह गए थे। तो रिटायरमेंट का बहुत अच्छा उपयोग है। जब हमको जो कुछ भी आता है वो यदि किसी को भी जानना हो सीखना हो सोशल मीडिया का ये बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा सकता है। तो संपत्ति समाज की है, समाज की सेवा में लगाओ। तुम्हारी जरूर, लेकिन उतनी ही जितनी तुम खा सको, उससे भी ज्यादा कहें तो तुम पचा सको। तो दोनों टाइप की विचारधाराएं हैं। वो कैपिटलिज्म वाले हैं, मेरी मर्जी, मेरे को जो करना हो करो, वो संपत्ति को भोगने की चीज मानते हैं, और क्योंकि भोगने की वस्तु मानते हैं इसलिए वो ठीक नहीं सोच रहे। और सोशलिज्म वाले भी ज्यादा ठीक नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे तो वो उदारवादी हैं और वो कहते हैं समाज की सेवा में लगाओ, लेकिन फिर उनमें ये दोष है कि वो कहते हैं सबको समान भाग मिलना चाहिए। अब सबको समान भाग, ये भी तो गड़बड़ है। एक आदमी ऐसे ही बैठा है चुपचाप, वो काम करने की उम्र है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको भी उतना ही मिले, और एक आदमी 17-18 घंटा तक काम करता है, 8-10-12 घंटा तक काम करता है, उसको भी वही मिले, तो फिर दुनिया में आलसियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें भी दोष है, और यदि इस दोष का तुम स्वीकार नहीं करते हो तो फिर देखा है आपने दुनिया में वो फाइनेंशियल गैप कितना ज्यादा, कहीं देखें तो इतना ज्यादा है कि ये हमारे गुजराती के साहित्यकार भिखुदान गढ़वी से मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि दुनिया में दो टाइप के लोग, वैसे तो वो कार्ल मार्क्स भी यही कहता था लेकिन उसकी स्टाइल जो थी, इनके शब्द अलग थे। उसने तो कह दिया दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, वो हैव्स एंड हैव नॉट्स। यही इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। कौन वाली दो टाइप? बोले एक वो हैं कि वो सोचते हैं कि हम क्या करें कि भूख लगे, तो फिर सवेरे मॉर्निंग वॉक करना और ऐसी ऐसी गोलियां खाना जिससे भूख लगे, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। एक टाइप के लोग वो हैं कि खाने को तो बहुत है लेकिन भूख नहीं है, तो क्या करें कि भूख लगे। और दूसरे टाइप के वो लोग हैं, वो कहते हैं कि भूख तो लगती है, बहुत लगती है, लेकिन क्या करें, उनके पास खाने को नहीं है। तो दोनों टाइप के लोग हैं, क्या करें कि कुछ खा पाए, हैं तो बहुत लेकिन भूख नहीं लगती। और दूसरे वाले वो हैं कि भूख तो बहुत लगती है लेकिन वही थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही मिलता है, क्या करें। ये हॉस्टल में कभी पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता होगा, उसमें ये चीज सामने आती है कि भूख तो बहुत लगती है
क्योंकि उस समय तो फिर पेट भी वैसा कि डालो तो पत्थर भी पच जाए, है भी जोरदार होजरी हुई। तो हर तरह की विचारधाराओं में हम देखेंगे तो कोई ना कोई दोष है। अब ऋषि मुनियों के पास आओ, इनको पूछो कि भैया विवाह तो हो गया कृष्ण के साथ और सगाई हुई थी शिशुपाल के साथ, तो सगाई किसी और से और विवाह किसी और से, तो सवाल है रुक्मणी किसकी, माने लक्ष्मी किसकी, मैं कमाया मेरी कि सबकी है, किसकी है ये? तब हमको ऋषि मुनि समझाते हैं, प्यारे इसका समाधान तो तुम्हारे जन्म के हजारों साल पहले हमने दे दिया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हम ये कहते हैं। जैसे ही बोलते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तो ये लक्ष्मी नारायण, हमने मूर्तियां भी बना दी, हमने लक्ष्मी जी को नारायण के पास ही खड़ा कर दिया। अब ये बड़ा सांकेतिक है, आप ये विश्वास माने, अपने जितनी भी मूर्तियां हैं आइडल्स हैं उन सब के पीछे देयर इज सम आइडिया बिहाइंड आइडल्स, सबके पीछे कुछ न कुछ है। जैसे ब्रह्मा जी है तो ब्रह्मा जी के चार मुंह क्यों हैं, मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री समझाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा बुद्धि के देव हैं और बुद्धि को निर्णय करने से पहले चारों ओर देख करके डिसीजन लेना चाहिए। उनके चार चार मुंह हैं, हकीकत में चारों ओर दृष्टि है। सफेद कपड़े पहनते हैं शुद्ध बुद्धि है। ब्रह्मा जी की कल्पना हमने वृद्ध पुरुष के रूप में करी है, यानी बूढ़े हैं यानी अनुभवी हैं। बुद्धि हमारी जब सोचे तो किसी अनुभवी आदमी की तरह सोचे। हंस पर बैठते हैं, इसका मतलब है कोई, या आपने सुना होगा हंस को यदि तुम पानी और ये दूध मिला करके दे दो तो फिर वो दूध दूध ही ले लेता है, पानी छोड़ देता है ना। संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बारि विकार, रामचरितमानस में कहा गया कि ये संतों का चरित्र तो ऐसा होता है कि वो दूध दूध ले लेते हैं और परिहरि बारि विकार, ये जब पानी जैसी बात हो, विकारों जैसी बात हो तो उसको छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध बुद्धि है, वृद्ध पुरुष के रूप में हैं, यानी अनुभवी बुद्धि है, चारों ओर देख करके सोचने वाली है। उसका वाहन क्या है, बोले हंस है, विवेक ही हंस है। पानी जैसी बातों को छोड़ दे, दूध जैसी बातों को ग्रहण कर ले, ये विवेक है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही ब्रह्मा जी हैं। विष्णु भगवान जिनकी दृष्टि विशाल है, जहां कोई मेरा तेरा नहीं, यही विष्णु है। इसलिए भगवान को हमने बड़ी बड़ी आंखों वाले, है ना, जगन्नाथ जी गए होंगे दर्शन के लिए तो आपने देखा होगा भगवान की बहुत बड़ी बड़ी आंखें। बांके बिहारी वृंदावन दर्शन करने के लिए गए होंगे, देखा होगा आपने बहुत बड़ी बड़ी आंखें। ये बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं विष्णु। इसका मतलब जो यदि बाहें फैला दे तो वेवेष्टि विश्वम, पूरे विश्व को वे आवेष्टित कर दे, यानी अपनी भुजाओं में भर ले, यानी पूरी दुनिया के साथ एक साथ आलिंगन कर सकें। जो सबको अपना मानते हैं, जिनकी दृष्टि विशाल है, जो छोटा नहीं देखते, छोटा नहीं सोचते, बड़ी विशाल दृष्टि उदार दृष्टि वाले हैं, ये विष्णु हैं, जिनको कोई पराया नहीं लगता, ये विष्णु है। विष्णु गरुड़ पर बैठते हैं। ऐसी हमारी दृष्टि तभी होगी जब हमारी जीवन की जो धारा है वो वेद सम्मित हो। वेदों ने हमको जो सिखाया है उस तरह से हम जिएंगे तो बिल्कुल हमारी दृष्टि भी विशाल होगी। ओम आनो भद्राहा क्रतवो जंतु विश्वतहा, वेदों ने कहा ये सारी दिशाओं से आकर के अच्छे अच्छे विचार हमको सबको प्राप्त हो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव, हम अच्छे मार्ग पर गति कर रहे हैं, उस मार्ग पर जो भी दुरित कुछ भी गलत बातें आ रही हो वे सब दूर, परासुव वो सब दूर भाग जाएं, और जो भी भद्र हैं वो सब हमारे पास आए। जब भी हम सोचते हैं तो सबके बारे में सोचते हैं, ये वेदों की विद्या है। हम सब अच्छे हों, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
अब इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः शब्द है, इसमें यह नहीं लिखा है कि केवल भारतीय सुखी हों, केवल हिंदू धर्म पालन करने वाले सुखी हों, ना ऐसी बात कहीं भी नहीं दिखाई देती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे जिसको पता ही नहीं हो कि कोई सनातन वैदिक धर्म भी है वो भी सुखी हो, मनुष्य मात्र चर अचर समस्त जगत सुखी हो। सर्वे संतु निरामयाः, सभी निरामय, संस्कृत भाषा में आमय यानी रोग, निरामय यानी स्वस्थ, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग भद्र यानी उनका कल्याण देखें, सबका वेलफेयर ये सोचा गया। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी दुख की प्राप्ति न हो। कितनी उदार विचारधारा है, अयम निजः परो वेति, ये मेरा है निज और परः ये दूसरा है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, जिनका दिमाग छोटा है, जिनकी दृष्टि छोटी है, जो केवल स्वार्थ सोचते हैं, जो किसी बॉक्स में बंध गए, वो ये कहते हैं कि ये हमारे हैं और ये दूसरे हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्, जिनका चरित्र उदार है, उदार चरितानाम, जो उदार चरित्र वाले हैं, वे तो कहते हैं पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है। अब यहां आजकल जो ये विचार चला है उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज, ना दुनिया को क्या कहते हैं, ग्लोब ही एक विलेज है, जैसे छोटा सा गांव है। ये तो और अंदर आ गए, क्योंकि विलेज में तो कई परिवार रहते हैं और इन्होंने कहा कि वसुधा ही एक कुटुंब है, एक परिवार ही है। वेदों के अनुसार मेरी आपकी जीवन दृष्टि चलेगी तो हम विशाल दृष्टि वाले बनेंगे, हमारी आंखें भी बड़ी बड़ी होंगी, हम भी अपने बाहुओं में विश्व को ले लेंगे, अपना पराया नहीं रहेगा तो हम भी विष्णु होंगे। ये विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को दर्शन करो उसके पीछे ये दृष्टि है। भगवान महादेव, ये शिव शब्द का मतलब ही कल्याण होता है, और कल्याण कब होगा, बोले यदि धर्म का पालन करोगे। नंदी ये धर्म का प्रतीक है। तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, जो विवेक यानी हंस पर बैठते हैं। विष्णु बड़ी बड़ी दृष्टि वाले यानी सबको समावेश करने वाली दृष्टि, सर्व समावेशक दृष्टि के वे धनी हैं। ऐसी दृष्टि हमारी होगी जब हम वेदों के अनुसार चलेंगे। भगवान गरुड़ ये वेद के प्रतीक हैं। गरुड़ जी जब अपनी पांखों को फैलाते हैं, जब विष्णु को लेकर के कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि उनकी पांखों में से साम वेद के मंत्रों का वो स्वर निकलता है। गरुड़ जी वेद के प्रतीक हैं। भगवान शंकर कल्याण के प्रतीक हैं। नंदी ये धर्म के प्रतीक हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी वो आइडल्स हैं, उन सबके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। गणपति बाप्पा को देखो तो वो एक नेता के रूप में सामने खड़े हैं। नेता कैसा होना चाहिए, उसका साक्षात स्वरूप गणेश जी हैं। मेरे गुरुदेव भगवान समझाते हैं, कहते हैं उसकी नाक बड़ी लंबी होनी चाहिए, यानी उसको किसी भी बात की स्मेल जल्दी आ जानी चाहिए। नाक बड़ी होने का मतलब प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये भी उसका अर्थ है। कान बहुत बड़े, सबकी सुने, आंखें एकदम वो छोटी छोटी यानी दृष्टि एकदम पैनी हो कि जो सुन रहा हूं वो है भी कि नहीं है। पेट बहुत बड़ा, सबकी बातों को अपने पेट में संभाल के रखें, लेकिन किसी को कोई यहां की यहां और यहां की यहां ना करें। और फिर उनका वाहन चूहा है। वैसे हम देखें तो आश्चर्य होता है कि गणपति बापा चूहा पे बैठेंगे तो मर नहीं जाएगा चूहा, लेकिन वो बात नहीं है। चूहे को देखो तो वो उद्यम का प्रतीक है। वो कुछ ना कुछ करता है। वो फिर जब सवेरे वो आप आलमारी खोलो तब पता चलता है कि वो क्या कर रहा था, पर वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ये उद्यम उनका वाहन क्या है, बोले यही उद्यम। बैठा नहीं रहे वो गोबर की तरह, ऐसे नहीं बैठा रहना चाहिए। जो नेता हो वो भी यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वो भागते रहना चाहिए। हर मूर्ति के पीछे कुछ न कुछ है। देवी माँ के 8 भुजाएं हैं। ये 8 भुजा क्या है, बोले किसी भी महिला को देख लो, उनके दिखती नहीं, बाकी 6 भुजा और होती ही है सबकी।
क्यों? बोले आप किसी, वो ये मल्टीटास्किंग है, आपने देखा होगा ना, रसोई बनाते हुए कुछ काम किया है, अब कुकर में कितनी सीटी हुई उसको ध्यान है, डोरबेल बजी तो वहाँ किसी को वो द्वार खोलने के लिए गई है, मीनवाइल किसी की रिंग बजी तो वो फ़ोन उठा लेती है, तो एक ओर से अपना ये फ़ोन वाले को जवाब दे रही है, बाहर वो दरवाज़ा खोला तो उसको उधर ध्यान है कितनी सीटी हो गई ये भी पता है, और बच्चे की नेपी भी चेंज कर रही है। ये अष्टभुजा योग माया ही तो है, और कौन है? किसी पुरुष को ये एक के साथ दो काम दिखा करके देखो, पता चलेगा बेमाथी एक के ही में भली वार नहीं हुई। हाँ, ये तो इतने प्यारे होते हैं, ठाकुर जी ने बनाया है ऐसा कि ये जब स्त्री कर रहे हो और किसी का फोन आ जाए तो हाँ तब तक तो जल जाते हैं। उसको लगता है यही फोन है, ये मतलब भोले होते हैं, आप ज्यादा हंसो मत, एकदम भोले होते हैं, ये भूल जाते हैं कि स्त्री है कि क्या है। पुरुषों ना भोर पड़ना ही बहुत जोक्स आवे। दो लोग बात कर रहे थे तो उसने कहा कि गुजराती दोनों थे, तो उसने कहा कि मारी पत्नी तो एकदम देवी है, माता जी बोल दिया उसको, है ना, एकदम देवी। तो जैसे ही इसने कहा कि मारी पत्नी तो एकदम देवी जेवी है, तो वो लोग के मारे देवी है जो कोई ने लेवी हुई तो। अब देवी का मतलब उसने चेंज कर दिया, अब बताओ कितना भोला आदमी है। वो माता जी की बात कर रहे थे, वहां से उसने तो ये एकदम इश्तिहार निकाल दिया, किसी को चाहिए तो मैं देना चाहता हूं। तो भोले होते हैं। ओके, मैं ये दो बातें कहकर के आपको ये सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा था कि भोले होते हैं। तो ये अष्टभुजा योग माया है, जब कई प्रकार के काम एक साथ कोई कर लेती है। गणेश जी नेता के प्रतीक हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, विष्णु विशाल दृष्टि के देवता हैं, शिव कल्याण के देवता हैं, सबके पीछे कोई ना कोई मतलब है। हम सब इसको मान करके चलें। लक्ष्मी के साथ ही नारायण खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण विराजमान है, इसका मतलब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये लक्ष्मी किसकी, ये तो हमने बहुत पहले ही तुमको बता दिया है। कितना ही काम करो लेकिन ख्याल करो तुम्हारे घर में जो है वो लक्ष्मी माँ है। विष्णु भगवान की पत्नी हमारी तो माता है, लक्ष्मी माता कहते हैं हम। करना क्या है? बोले लक्ष्मी को नारायण के साथ उसका ब्याह करो, तुम लक्ष्मी के बाप बनो, लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाओ। बेटी जैसे जैसे बढ़ती रहती है, बाप को चिंता होती है, माँ को चिंता होती है कि इसके हाथ में पीले कर दूं और किसी योग्य वर के हाथ में दे दूं। दुनिया में तो अपनी बेटियों के लिए वर खोजना पड़ता है, लक्ष्मी का परमानेंट वर निश्चित है पहले से, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कौन है? बोले जिसकी जिम्मेदारी है दुनिया में हाथी को मण भर खिलाना और चींटी को कण भर खिलाना, सबकी जरूरतों को पूरा करना। ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश्वर संहार करते हैं, जो विष्णु भगवान पालन करते हैं, यही काम जब तुम करने लगते हो तो उस समय तुम अपनी संपत्ति का, ये यानी लक्ष्मी का, तुम विष्णु से विवाह कर रहे हो। विष्णु भगवान का काम सबके पेट को भरने का है। जब भी आप इस तरह से कहीं भी ऐसा काम करते हैं जो विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है, जैसे तो उस समय विष्णु भगवान के काम में आपने मदद करी है, उसमें जितनी भी संपत्ति लगाया है वो आपने विष्णु के साथ आपकी लक्ष्मी का विवाह किया है। जितना भी मेरे पास जरूरत से ज्यादा है उसको मैं, जो जरूरत जितना भी जिसके पास नहीं है उसको जब मैं देता हूं तो मेरी संपत्ति का मैं नारायण के साथ विवाह ही कर रहा हूं। अब जिसकी जिम्मेदारी होगी कि ये सारी कुर्सियां ठीक हों, ये सब ठीक हो, यहां पर भी सब साफ सुथरा रहे, ये वो, यदि यहाँ आकर के कोई वो कुर्सी ठीक कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहा हो, और कोई कथा में समय से पहले आ गया हो, और वो व्यक्ति यदि उसको मदद करे कि आप यहाँ से कुर्सियाँ ठीक लगाइए, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं पहले आ गया हूँ, मुझे बैठे बैठे क्या करना है, तो मैं ये वाली कुर्सियों को ठीक करता हूँ। तो जिसकी जिम्मेदारी होगी उसको वो अच्छा लगेगा ना जो मदद कर रहा है। उसी तरह से जो भगवान के काम में मदद करता है वो भगवान को प्रिय होता है,
अब सबको भोजन देना, सबको वस्त्र देना, सबको रहने के लिए स्थान देना, ये विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है। और जब आप दुनिया में से किसी एक भी व्यक्ति को खाना खिलाते हो तो फिर विष्णु प्रसन्न होते हैं। क्यों? बोले आप उसके काम में हाथ बटा रहे हो। जरूरतमंदों को जब कपड़ा देते हो तो फिर वो विष्णु को प्रसन्न करने वाली क्रिया है। ये आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह किया। इसी जुलाई में मुंबई में एक स्टोर खुला, ये एक स्थान खुला। उसमें क्या है? बोले किसी एक भले आदमी ने, वो पटेल है, उसने सोचा उसके घर में 2000 शर्ट थे, शर्ट बूस्कोट 2000, कितना 2000। अब दुनिया में हर जगह वो जाता होगा, कहीं से खरीदता होगा, किसी ने उसको गिफ्ट दिए होंगे, ये वो। एक दिन बैठकर सोच रहा था तो उसने सोचा कि मैं इन शर्ट्स को अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहन सकने वाला, और तब तक रोज नई नई फैशन्स आती रहती हैं, मैं नए नए कपड़े खरीदने वाला हूं, इन शर्ट्स का क्या किया जाए, और अच्छी अच्छी कंपनी के शर्ट्स। उसने ये सोचा कि हो सकता है कि किसी का ड्रीम हो कि फला फला कंपनी का शर्ट कभी मुझे पहनने को मिले, लेकिन ऐसा आदमी मैं कहां खोजने जाऊं, इट इज बेटर ऐसी जगह बनाता हूं जहां पर ये सारे के सारे शर्ट्स रख दूंगा, और वही भलाई नी दीवाल। आप जानते हैं ऐसी दीवालें हैं, सूरत में है, मुझे किसी ने कहा, फेसबुक पे देखा था लेकिन ये नहीं पता था किस शहर में है, शायद सूरत में है। कहते हैं कि एक दीवार है, उसमें खूंटे बनाए गए हैं और उसमें वहां लिखा है ये भलाई नी दीवाल, ये भलाई की दीवार है, और उसमें फिर नीचे सूचना है, यदि आपके पास नहीं है यहां से ले जाइए, यदि ज्यादा है यहां छोड़ जाइए। ये 2000 शर्ट वाले की तरह जिसने भी अपने घर में ज्यादा सामान इकट्ठा किया हो, भलाई की दीवाल के पास पहुंच जाओ कि मेरे घर में 7-8 स्वेटर है, और वैसे ही अपने तो ठंड में घर से बाहर नहीं निकलते, और जहां जाते हैं वहां से एक उठाते हैं, तो जो ये मेरे पास 10 साल पुराना स्वेटर है तो वो ये भलाई नी दीवाले टिंगड़ी दो, और उस वो रख के क्या करना है, बोले तुम वहां से फिर 9-2-11 हो जाओ, और फिर जिसकी भी जरूरत होगी वो ले जाएगा, उसको नीची दृष्टि करके वो लेना न पड़े, सम्मान के साथ वो ले सके। और तुम क्या कर रहे हो? बोले तुम अपने घर में से कचरा ही तो निकाल रहे हो, तुम कहां कुछ अच्छा वो कर रहे हो, इसलिए तुम भी उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और उनको भी थैंकफुल होना चाहिए कि उनको ये चीज मिली। तो किसी को थैंक यू कहना पड़े इसकी जरूरत ही नहीं है, तुमने भी अपना सामान निकाला है और उसको भी जरूरत थी इसलिए वो वहां आया है। किसी को किसी के सामने नीचे नहीं देखना पड़े, कहीं अभिमान वाली या वो वाली बात नहीं आए, तो भलाई नी दीवा। उसने ऐसी जगह बना दी, उस जगह पर उसने अपने सारे शर्ट्स रखे। फिर उसको विचार आया कि ये तो मेरी अपनी एक की बात हुई, ऐसे तो कितने होंगे इस मुंबई में। फिर उसने वीडियो बनाया, उसमें उसने सबको विनती करी कि तुम्हारे घर में मोबाइल फोन से लेकर के वो बेल्ट्स और ये पॉकेट और क्या क्या कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम जहां जाते होंगे वहां से नए नए लाते होंगे, और ऐसा करो कि देखो हमने ये जगह बनाया है, इसमें सारी चीजें इस तरह से रखी जाएंगी, देयर इज नो वन, कोई आदमी नहीं रहेगा वहां पर, जिसको भी जरूरत है वो अंदर जाए, उसको जो चाहिए वो ससम्मान लेकर के वहां से निकले। लिखाने की भी जरूरत नहीं कि तुमने वहां से कितना लिया और कितना ये किया, तुम्हारे पास ज्यादा है तुम वहां अपना बैग भर के जाओ, छोड़ के आओ, ये मेरे पास ज्यादा सामान पड़ा है और इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए ले लेना, और जिसको जरूरत है खुद अपना खाली बैग लेके जाए और उसमें से उसके काम की जो भी वस्तुएं हों खुद ले जाए। ये जरूरतमंदों को, ये देखो 2000 शर्ट हैं उसके, तो उसमें से कई एक्सपेंसिव शर्ट्स भी होंगे, और जो भी आदमी अंदर जाना चाहे वो लेना चाहे ले सकता है। ये करना, ये नारायण के काम में मदद करी है उसने, इसलिए इस काम के करने से विष्णु भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। हम अपनी संपत्ति को जब समाज की सेवा में लगाते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, विद्या की जिसको जरूरत हो तब वो करते हैं, इस तरह किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाते हैं। उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल दूं, आपकी संपत्ति है इसलिए आपकी बहुत खुशी हो वहीं लगाना। रोबिन हुड बन के तुम्हारे पास से कोई
छीन के ले जाए इसमें कोई मजा नहीं है, ना उसको उसमें से कुछ फलेगा, ना उसका वो प्रसन्नता रही, ना वो कुछ रहे। मन मारिन कोई दिकर बुद्ध नहीं, काम करके तुमने जो कुछ कमाया है मस्ती से, तुम्हारा आनंद होना चाहिए कि तुम ये काम करना चाहते हो, उस आनंद से करो। देने वाले को देने में प्रसन्नता होनी चाहिए, लेने वाले को लेकर के प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारा मुख्य धर्म होना चाहिए। कुछ भी करो प्रसन्न होकर करो, सामने वाले को दिया तो एने उगबुझ हुई है ना, नहीं तो रोते रोते दिया तो फिर वो, मैंने जैसे कहा था ना, यहां सुनाया था वो आरती में वो सिक्का रखने सुनाया था यहां पर भी, ठीक है। तो ऐसे लोग होंगे तो फिर बड़ी मुश्किल। एक बार अनाथाश्रम वाड़ा फाड़ो लेवा गया एक सेठ ना घरे, अनाथाश्रम वाड़ा फाड़ो लेवा गया तो सेठे पोता ने बे दिकरा आपी दीदा। एक रुपया नी आवक नो थी, उल्टा नो अनाथाश्रम वाड़ा ने बे नी संख्या हुई थी कि जाओ बेटा काका साथे जाओ फाड़ो लेवा, छते बापे छोकरा अनाथाश्रम में गया। तो ऐसी बात हो तो फिर क्या करें। प्रसन्नता से दीजिए, देना तुम्हारी अनिवार्यता है, याद रखना। खेत में जब धान उग जाता है ना, तो वो जिसमें भी उगा होता है ना, फिर बोली डूंडी छे वाढ़ी लेवानी त्या थी, नहीं तो वो वहीं का वहीं रहे, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। गाय के थन में जब दूध भर जाता है तो वो गाय के लिए अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बछड़ा खोजती है कि कोई इसको निकाल ले। माँ के थन में जब दूध भर जाता है, यदि बच्चा पीने के लिए समर्थ न हो, उसको भी माँ निकाल देती है। तो माँ के थन में रहा दूध, गाय के थन में रहा दूध, ये पेड़ों पर लगे हुए फल जो पक गए हैं, ये उनके भी काम के नहीं है। गाय को उसका दूध क्या काम का, माँ को उसका दूध क्या काम का, उस वो पेड़ों पर लगे हुए फल पेड़ को क्या काम के। और जब बाजरी और गेहूं और ये सब निकल आता है तो फिर वो उसी पेड़, उसके लिए कोई काम के नहीं है। वो ले ही लेना पड़ता है, वहां से अलग कर ही देना पड़ता है। इसी तरह विद्या बहुत पढ़े हों या फिर पैसा बहुत कमाए हों, तो ये भी आपके कितना काम लग सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसका सदुपयोग तो यही है कि हम इसको बांटें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कथा में कई लोग इस तरह से कहते हैं, कई प्रकार की मन में वो शंकाएं थी, सब कथा सुनते ही सब चला गया। आज ही मेरे पास वो न्यूजर्सी से फोन, हाँ न्यूजर्सी से किसी माताजी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि हम लोग वो टीवी एशिया पर कथा सुन रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये श्रीमद् भागवत को मूल रूप में सुनना और उसके साथ फिर कई प्रकार के विचारों की प्राप्ति होना, ये हमारे जीवन के बहुत अच्छे दिन बीत रहे हैं। उस महिला ने तो बड़े भाव में, उन्होंने तो कहा कि तुम रोज रुलाते हो। ऐसी कुछ न कुछ बात उनको कथा में से मिल जाती है। उसने कहा कि रोज किसी न किसी वो कारणवश कुछ न कुछ सुनते हुए आंख में आंसू आते हैं। मैंने कहा माई आप स्वयं इतनी अच्छी हो इसलिए कथा को इतना अच्छा कहती हो। बाकी तो मैं देखता हूं अपने घरों में आरामदायक सोफे में भी ये चार घंटा नहीं बैठ सकते, जो यहाँ सीधी सादी कुर्सियों पे बैठे हैं ना, कुछ भी बीच में एक बार भी पानी कोई देता नहीं है, पूछता भी नहीं है कोई। और कभी कभी ये एसी वो टाइम से चालू नहीं हो तो गर्मी होने लगती है, लेकिन यहाँ से हिलते नहीं है। अपने घरों में आरामदायक सोफों में बैठ कर के पंखा वंखा चला के बैठो तब भी, और बीच बीच में तुमको चाय पानी कोई पूछने वाला भी होगा तब भी चार घंटा एक जगह नहीं बैठ सकोगे, देखना। कथा में घड़ाई ने तो सौथी मोटी नवाई तो ये जो है कि हूँ चुपचाप 3 कलाक, इम्पॉसिबल। कई लोगों को ऐसे लगता है और ये हो जाता है। परमात्मा की कृपा है इसलिए हम सबको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। ईश्वर की कृपा को जैसे नहीं लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये वो टाइप की बात है ये। तो हमारी चर्चा है नारायण की है लक्ष्मी, शिशुपाल की। अच्छा यदि किसी ने फिर ये किया कि उसकी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी तो बोले यदि तुम शिशुपाल के साथ सगाई कर दोगे तो इसको आता है ये तो हरण करके ले जाएगा, तुम प्रेम से दे दो तो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की है।
रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ, ये हमारी लक्ष्मी का हमको क्या करना है, इसका मार्गदर्शन है। लक्ष्मी हमेशा नारायण की है। न कैपिटलिज्म सफल होगा क्योंकि इतना इतना, आज मैं वो गया था आपके नगर के लीजेंड को देखने, तो मैंने वहां जाके देखा वो कितना कितना, उसको ज्ञान नहीं मिला, कितनी छोटी उम्र में ये नेम फेम पैसा ये वो। फिर वहां तो सब अच्छा अच्छा ही दिखाया है, लेकिन इंटरनेट पे जाओ तो सब मिलता है देखने को कि आवड़ा रुपया ना ढगला ऊपर बैठे लो तो इन्हें आत्महत्या कर ली। कभी कभी बड़ी हंसी आती है, जिसने डोंट वरी बी हैप्पी गाना लिखा उसने खुद ने भी आत्महत्या करी थी। पता नहीं क्या इससे क्या संदेश लेना चाहिए, लेकिन देखने जैसा है। मुझे तो सीधा साधा लगता है, अति संपत्ति भी विपत्ति है, शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है, अति संपत्ति भी विपत्ति है। हाँ, कहीं कहीं तीन चार जगह पर वहां बड़े दिल को ठंडक मिले ऐसी चीजें भी देखने को मिली। एक जगह बहुत बड़ा बोर्ड लगा है कि इतने फाउंडेशंस और संस्थाएं या इतना कुछ है, जहां रेगुलर उसकी ओर से वो इतना रख के गया है कि उसमें से आज भी वो उसका ब्याज चालू है और उस ब्याज से इतनी संस्थाओं को अभी भी मदद पहुंचती है, और ऐसी नहीं नहीं तो 50 एक। कैंसर के सामने कुछ हो तो वो उसमें खड़ा रहता था, ये वो सब देखना बड़ा अच्छा लगा। और हर जगह से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, सवाल ही नहीं है। नहीं तो एक हुजूम खड़ा हुआ था। लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह होना चाहिए, नहीं तो छीन के ले जाएगा। क्योंकि जिस तरह से देखते हैं रुक्मणी हरण हुआ है, अब भगवान और रुक्मणी का विवाह हुआ है, इसके बाद उनके यहां प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट हुए। प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव का अवतार है। शंकर भगवान ने जब कामदेव को जला के भस्म कर दिया तो उस समय रोती हुई रति शंकर भगवान के शरण में गई। शंकर भगवान ने कहा कि द्वापर युग में कृष्ण परमात्मा का अवतार होगा और उनका पुत्र प्रद्युम्न जो होगा, कृष्ण तनय, ये तुम्हारा पति होगा। रति उस दिन से राह देख रही थी कि मेरा पति मुझे प्राप्त होगा। कृष्ण और रुक्मणी का प्रथम पुत्र बनकर के प्रद्युम्न आया। अब शंबरासुर को श्री नारद जी ने बता दिया था कि रुक्मणी का बेटा तुमको मारेगा, तो प्रद्युम्न का जैसे ही जन्म हुआ शंबरासुर ने उठा के उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में वो एक मछली के पेट में चला गया, और फिर मछली वो बहुत बड़ी मछली, तो जैसे ही वो उन लोगों के ये मछुआरों के झाल में आई तो फिर मछली को देख करके मछुआरों ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी मछली है, शंबरासुर को ही गिफ्ट करते हैं। शंबरासुर को दिया गया वो मत्स्य, उसने अपने रसोई में भिजवा दिया। जैसे ही वो रसोई में, वो मायावती नाम की एक थी, वो दाल भात बनाने के काम में रखी थी नौकरानी, और उसने उस जैसे ही मछली को काटा तो बीच उसमें से जिंदा बच्चा निकला। ये कामदेव है। अब उसके बाद तो नारद जी वहां पर पधारे और उसको कहा कि ये तेरा ही धनी है और तेरे पति को तू ही बड़ा कर, और फिर उसके बाद उसके साथ तू ही विवाह कर दे। यही सब हुआ। मायावती ने महामाया सिखाया है प्रद्युम्न जी महाराज को, और प्रद्युम्न जी ने फिर शंबरासुर का उद्धार किया। द्वारका जी पधारे हैं मायावती को लेकर के। रुक्मणी ने प्रद्युम्न को देखा तो लगा कि ये मेरा ही बेटा हो सकता है। रुक्मणी जी भी प्रसन्न हुई जब नारद जी ने आकर के सबको सब सत्य बताया। अब भगवान का ये पहला विवाह हुआ, फिर भगवान श्री हरि का दूसरा विवाह हुआ ये जाम्बवान की पुत्री जाम्बुवती के साथ। सूर्य नारायण का भक्त था सत्राजित नाम का यादव। उस यादव ने वो अपने घर में मणि लाया स्यमंतक नाम का, और उस मणि से सोना निकलता था। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ये अति संपत्ति खराब, ये विपत्ति है, इसके कारण कभी मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि ये करो कि तुम ये मणि जो है वो राज्य में जमा करा दो, इसमें से रोज जो सोना निकलेगा तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाएगा। सत्राजित समझा नहीं। सत्राजित ने फिर वो माना नहीं, तो एक दिन प्रसेन उसका भाई गले में मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने गया। उसको किसी सिंह ने मार डाला, सिंह को फिर वो मणि लेकर के जा रहा था तो किसी रीछ ने मार दिया। रीछ तो अपने हाथ में वो मणि लेकर के चला गया अपनी गुफा में। यहां द्वारका में
सत्राजित ने सबको कहना शुरू किया कि कृष्ण ने वो मणि मांगा था और मेरे भाई ने वो गले में पहना था, शिकार खेलने के लिए गया। हो सकता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया हो या मार दिया हो। अब गजब की बात देखो, सोने की द्वार का और उसमें एक एक घर जिन जिन को मिले हैं, ये सभी यादव कृष्ण के ही दिए हुए घरों में बैठ करके सोचते हैं कि ये छोटे आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया, कृष्ण से देखा नहीं गया। वो जहां बैठ के बोलते हैं वो भी सब कृष्ण का ही दिया हुआ था, भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, और उसमें बैठ करके भगवान के ही विरोध में बोल रहे हैं। तो भगवान ने ये सब लीला करके क्या सिखाया हमको? बोले देखो, हम तो भगवान हैं तब भी हमारे आसपास वाले ऐसे ही हैं, तो फिर अब तुम किस खेत की मूली हो? सेवा करो तब खास ख्याल करना चाहिए, यदि दृष्टि मेवा पर हो तो सेवा करना ही नहीं। ये खाक सेवा करते हैं जिसकी दृष्टि मेवा पर हो। शंकर भगवान ने समुद्र से प्राप्त हुए विष को पी लिया, इसके बाद में फिर क्या नहीं निकला? कामधेनु गाय निकलती है, कौस्तुभ मणि निकलता है, उच्च ही श्रवा घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, अप्सराए पारिजात, क्या नहीं निकला, इवन अमृत। लेकिन कोई भी देवता उनको पूछने गया था क्या कि महाराज आप विष पीने के लिए हमको बड़ी हेल्प किए थे, महाराज ये अमृत निकला है, विष पिए हो तो फिर अमृत भी पियो? कोई गया था? यही होता है। लेकिन शंकर भगवान का ध्यान किसी मेवा पर नहीं था कि अवार्ड देंगे और सबके सामने बुला करके शाल ओढ़ाएंगे या माला पहनाएंगे या माइक से हमारा नाम बोलेंगे कि इन्होंने बड़ी सेवा करी थी। जिसका भी ध्यान मेवा पे होगा कभी सेवा नहीं कर सकता, और सच्चे जो सेवा करने वाले होंगे उनको तुमको मेवा देना भी हो तो खोजना पड़ेगा और 10 बार पांव पड़ के फिर देना पड़ेगा कि कृपा करो थोड़ा हमारा भी मान रखो, ये छोटा सा सम्मान है, आप स्वीकार करो प्लीज। वो कहता है इसके लिए थोड़ी किया था, तो हमको भी 10 बार पांव पड़ना पड़ता है कि भाई इसके लिए नहीं किया था लेकिन कुछ हमारा भी तो फर्ज है। निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो हमेशा ये ख्याल करना चाहिए, यदि ध्यान मेवा पे है तो सेवा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऐसी सेवा का भी कोई मतलब ही नहीं है उसका। खैर, तो भगवान के दिए हुए घरों में बैठ के भगवान के ही बारे में लोग बोलते हैं, तो भगवान श्री हरि हमको दिखाते हैं कि देखो मेरे लिए बोलने वाले हैं, तुम किस खेत की मूली हो? अब क्या हुआ? बोले भगवान श्री हरि कुछ द्वारका के अच्छे लोगों को साथ में लेकर के फिर चले, सत्राजित के घर गए, उससे प्रसेन का पता लिया और आगे जाकर के जंगल में देखा तो वो मरा पड़ा था। ठाकुर जी ने सबको दिखाया, लो मैंने नहीं मारा इसको, तो किसी शेर ने मार दिया। अब बोले वो शेर के पैरों के चिन्हों पर आगे चले तो वहां जाकर के देखा तो वो भी मरा पड़ा था। फिर रीछ के पैर के निशान के तले वैसे आगे बढ़े तो किसी गुफा में उसके पैर जा रहे, वो पैरों के चिन्ह जा रहे हैं। भगवान ने सबको कहा थोड़े दिन राह देखना और यदि नहीं आऊं बाहर तो समझ लेना मैं गया धाम में। भगवान श्री हरि उतर गए उस गुफा में, वहां जांबवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान श्री हरि ने उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से मणि ले लेने की कोशिश करी कि तू यहां खेल रही है और उधर पूरी द्वारका मेरे लिए क्या का क्या बोल रही है। अब वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। जांबवान आया है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, बिना रुके 28 दिनों तक लड़ते रहे, 28 दिन रात तक वो युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान श्री हरि ने फिर उनके वो ये इस तरह से मारा कि सारी स्मृतियां फिर आ गई रामावतार की, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, उन्होंने स्तुति करी है राम के रूप में। फिर तो भगवान श्री हरि को जांबवती दिया है, भगवान श्री हरि जांबवती को लेकर के पधारे हैं, ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्राजित को बुला करके सभा में उन्होंने सबके सामने वो मणि दिया। अब क्या हुआ? बोले जो सारे लोग कृष्ण के बारे में बोल रहे थे ना कि भगवान से देखा नहीं गया, छोटे आदमी के यहाँ पैसा में हुआ ये वो, सारे के सारे अब वो बदल गई हवा। अब क्या हुआ? बोले सत्राजित को कहने लगे मोढ़ा में कीड़ा पड़ से, नरक माई जगिया नहीं मड़े ये वो। लोगों का क्या है, किशोर कुमार तो कहता था कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है हाँ नवरी बजारू हो या पंचायत करवा नहीं रहे, बीजू शू करे।
कुछ तो लोग कहेंगे, सत्राजित के बारे में बोलने लगे, कुछ भी, ये होगा वो होगा, नरक में जाएगा, कृष्ण भगवान के बारे में बोलता था। सत्राजित ने कहा तुम भी सब साथ में थे। अब वो बेचारा घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब तो सत्राजित सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे बारे में भी कुछ अच्छा बोलें। वो तब तक बेटी सत्यभामा पर दृष्टि गई। अच्छा, सत्यभामा वॉज एंगेज्ड ऑलरेडी, उसकी भी सगाई हो गई थी। हा, फिर भी सगाई वो शतधन्वा के साथ हुई थी, फिर भी सत्राजित ने ये विवाह कर दिया कृष्ण के साथ। और ठाकुर जी को कोई तकलीफ नहीं, ठाकुर जी ये नहीं कहते सगाई दूसरे के साथ और विवाह मेरे के साथ, नो, बोले ना कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो दूसरी बार है, इसी टाइप का ये दूसरी बार है। रुक्मणी की भी तो कहीं सगाई हो गई थी। अब तो भगवान श्री हरि ठाठ माठ के साथ बारात लेकर के द्वारका जी में सत्राजित के घर गए और वहां पर विवाह किया। सत्राजित ने क्या किया, बोले उसी मणि को ये दायज के रूप में भगवान श्री हरि को भेंट के रूप में दे दिया। भगवान श्री हरि भी कोई कम तो है नहीं, वो लग्न के पंडाल में ही खड़े हो गए और बोले कि ससुर जी को हमने बोला था मणि हमारे यहाँ रहने दीजिए और इसमें से जो सोना निकलेगा हम आप तक पहुँचा देंगे। तब तो उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं, इसलिए अब ससुर जी इस मणि को तो अपने पास ही रखिए, लेकिन इसमें से सोना जो निकलता है ना, रोज रेकड़ी भरी पुगी जाऊ जो रोज पहुंचा देना। सत्राजित ने कहा बेटी भी दे दिया लेकिन ये मणि तो वैसे ही अभी भी गले में अटका हुआ है, अति संपत्ति विपत्ति है, रोज उसमें से कुछ सोना, कुछ माने कितना ये भी लिखा है लेकिन मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, आप बेवजह वाव करो ये मेरी इच्छा नहीं है। अति संपत्ति भी विपत्ति, ये तो सोना निकलता था, खाली चोखा निकलता हो तो ही मुश्किल ही, रोज निकले क्या जाओ तुम्हें। अब क्या हुआ, सत्राजित के पास मणि थी। अब अक्रूर और कृतवर्मा नाम के दो यादवों ने मिलकर के शतधन्वा को चाबी भरी। गुरु तेरा अपमान हो गया। गुरु ने कहा क्या बात है, कहां अपमान हो गया, बोले सगाई तेरे साथ लगन श्री कृष्ण के साथ, ये कैसी बात है, विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया, पहले सगाई तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, नहीं दिया ये सत्राजित को ऐसा करना था। तो उसने कहा फिर क्या करें, बोले क्यों ना उसको भी उसके भाई के पीछे भेज दिया जाए। शतधन्वा कम अकल वाला, ये दूसरे ये प्रसंगों में ऐसा ज्यादा होता है, आपके यहाँ तो कितने लोग आए और बात भी छोटी इसलिए यहाँ चलता है, बाकी भारत में मैंने ज्यादा देखा है ये लगन प्रसंग होता है विवाह में, अब बहुत लोग आते हैं और फिर वो सारे के सारे उतने सब आए उसमें पता नहीं कौन किस मंशा से आया है और कौन किस को चाबी भरेगा और तुम्हारे प्रसंग को खराब कर देगा, कोई पता नहीं चलता। इतना सारा इतना वाहला सगाओ हो घणाई ना, तो क्या बराबर जान आवे ने त्यारे ज दाड़ मां अगरबत्ती ना पैकेट नाखी दिए, पची सुगंध वाली दाड़ बधाने मळे। अक्कल देखो इन लोगों की, ऐसे होते हैं लोग। सबका दिमाग भगवान ने जैसा जैसा बनाया, ये हम लोगों के तो कान भी बहुत खुले रहते हैं, जैसे हमारा मुंह भी खूब चलता है ना ये यहाँ 3 घंटा, इस तरह से बाकी के 3 घंटा यहाँ से बोलते हैं, बाकी का 21 घंटा यही खुला रहता है और बहुत कुछ सीखने को, पोथी में तो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा तो ये से सीखने को मिलता है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, कई प्रकार के लोग। अब इन दोनों ने चाबी भरी, शतधन्वा चला गया सत्राजित के घर में। तब कृष्ण परमात्मा और दाऊ दादा दोनों वहां हस्तिनापुर गए हुए थे और यहां पर सोए हुए सत्राजित को शतधन्वा ने मार दिया। सत्यभामा चिल्लाती रही, मेरे बाप को मार रहा है, मेरे बाप को मार रहा है, लेकिन कौन सुने। मणि लेकर के भागा, सत्राजित को मार दिया, मणि ले ली और भागा। फिर वो अपने घर चला आया और सत्यभामा सीधी गई कृष्ण और दाऊ दादा के पास और वहां जाकर के कहा कि मेरे पिताजी को उस शतधन्वा ने मार दिया। उसने बोले किस शतधन्वा ने और उसने क्यों मारा। तब तो सत्यभामा ने कृष्ण को बताया कि पहले मेरी सगाई उसके साथ हुई थी, इसलिए सगाई उसके साथ हुई और विवाह तुम्हारे साथ हुआ, शायद वो उसको वो तकलीफ हुई होगी इसलिए उसने आकर के मेरे पिताजी को मार दिया।
कृष्ण बलराम दोनों आए हैं द्वारका जी वापस, और द्वारका जी आकर के शतधन्वा को खोजने लगे। शतधन्वा को पता चला कि अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये दोनों भाई, तो फिर वो जिन्होंने चाबी भरी थी वो दोनों के पास गया कि बचाओ। तो ना तो कृतवर्मा ने बचाया ना तो अक्रूर ने बचाया। कृतवर्मा ने भी मना कर दिया और मुंह फेर लिया अक्रूर ने भी, लेकिन अक्रूर ने इतना कहा कि मणि मेरे पास रख के चले जाओ, मणि उसको दे करके। और फिर वो शतधन्वा भागा, कहां तक भागता, ठाकुर जी ने पकड़ लिया, फिर मार भी दिया। इसके बाद उसके कपड़ों में खोजा, मणि नहीं मिला। दाऊ दादा ने कृष्ण जैसे ही वापस आए तो पूछा मणि मिला? कृष्ण ने कहा कि नहीं, उसके कपड़ों में कहीं मणि नहीं था। जैसे ही ये कहा कृष्ण ने तो दाऊ दादा थोड़े मूंछ में मुस्कुराए, थोड़े से मुस्कुराकर कहा कि पता नहीं द्वारका में ही कहीं होगा, जाओ जा करके खोजो, मैं यहीं रहूंगा मिथिला में। दाऊ जी ये कह करके चले गए मिथिला में, और उसी समय दुर्योधन ने उनके पास से गदा युद्ध सीखा। कृष्ण भगवान तुरंत समझ गए कि दाऊ जी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब दाऊ जी ये समझ रहे हैं कि मैंने झूठ बोला। ठीक है, अभी तो देखो ये तकलीफ जो पहले गांव में थी अब वो घर में घुस गई, अभी और जूम इन होगा, क्या हो रहा है, अभी और अंदर घुसने वाला है। क्या कैसे घुसा? बोले ठाकुर जी द्वारका पधारे। सत्यभामा ने द्वार खोला, बैठने के लिए भी नहीं पूछा, शुरुआत यहीं से करी, मणि मिला। क्यों? मेरे पिताजी का, सत्यभामा के पिताजी का था। तब तक क्या हुआ? बोले भगवान श्री हरि ने कहा कि सत्यभामा को कहा कि नहीं मिला। सत्यभामा भी मुस्कुराती हुई घर में चली गई। ठाकुर जी समझ गए कि देखिए ये और अंदर घुस गया है, इसको भी भरोसा नहीं है कि कृष्ण झूठ नहीं बोलेंगे। अब श्री कृष्ण परमात्मा ने सोचा कि हमको इसका योग्य उपाय करना पड़ेगा। योग्य उपाय क्या किया जाए? बोले उन्होंने अपने गुप्तचर फैला दिए। पता चला अक्रूर जो है वो कितने दिनों से द्वारका में नहीं है, और उधर से भी कीर्ति फैलती हुई आई, कहा कि कोई द्वारका का यादव आया हुआ है काशी में और वाराणसी में, वो वहां आकर के वो क्या करता है? बोले रोज सोने की वेदी बनाकर नई वाली, और यज्ञ करता है, यज्ञ के बाद वो सोने की वेदी ब्राह्मणों को दान में दे देता है। सुनते ही कृष्ण परमात्मा समझ गए कि ये सोना कहाँ से निकलता है। दो गुप्त ये सैनिकों को भेजा है और कहा कि अभय दिया है, कृष्ण कुछ नहीं कहेंगे, आप ये करिए कि मणि को लेकर के द्वारका जी पधारिए। कृष्ण परमात्मा के कहने से उनको तो क्या करे, वो तो फिर आना ही पड़े, इसलिए तुरंत वो आ गए। अक्रूर जी आए तो फिर सभा भर के कृष्ण परमात्मा ने कहा कि देखो, न तो बड़े भाई को भरोसा हो रहा है कि मणि मेरे पास नहीं है, ना तो सत्यभामा को विश्वास हो रहा है कि कृष्ण सही बोल रहे हैं, उनके पास मणि नहीं है, आपके पास मणि है। अक्रूर जी ऐसा है कि मणि आप रख नहीं सकते। कैसे? बोले ऐसे कि जिस भी बाप के बेटा नहीं हो तो उसका जो भी डेट है वो भी बेटी के बेटे के ऊपर आता है, और उसका जो भी वो यदि कुछ पैसा वगैरह कुछ उसका है तो वो उसका भी वारिस वो बेटी का बेटा, जमाई को नहीं मिलता लेकिन बेटी के बेटे को, दौहित्र को मिलता है। जनरली बेटा मुखाग्नि देता है आदि सब होता है, ठीक है ना, श्राद्ध आदि करने की जिम्मेवारी बेटों की है, माता पिता का श्राद्ध आदि सब वो करते हैं, लेकिन यदि नहीं हो तो हमारे यहाँ ये नियम है कि बेटी का जो बेटा है उसकी वो जिम्मेदारी है। तो यदि कुछ धन वगैरह है तो वो भी उसको मिलेगा, और कोई कर्जा है तो वो भी वो चुका सकता है। सारी श्राद्धादि सारी विधियां दौहित्रों को करनी। अरे यहां तक भारतीय संस्कृति में हमारे यहां तो छूट है कि यदि किसी के बेटा नहीं हो तो वो बेटी को किसी को देने से पहले ही शर्त रख ले कि मेरी बेटी में जो पहला बेटा होगा वो मेरा बेटा माना जाएगा, मैं अपने वंश को उससे आगे चलाऊंगा। और इस तरह से पहले ही यदि जमाई एग्री होते हैं तो इस तरह से भी हमारे यहां किया जाता था, ये धर्म सम्मत था। तो ये जो मणि आपके पास में है वो धन आपका नहीं है महाराज, वो धन जो है वो बेटी के बेटों का होता है, यानी सत्यभामा के बेटों का होगा। अक्रूर जी तो सब समझते हैं, वो तो तुरंत मणि निकाल करके दिखा दिया कि मेरे पास ही है। ठाकुर जी ने और कुछ नहीं किया, भगवान ने एक दृष्टि डाली दाऊ जी पर और एक दृष्टि डाली सत्यभामा पर, दोनों नीचा देख करके वो चुप ही रहेंगे और क्या बोलेंगे वो। फिर तो
सुखदेव जी महाराज ने फल कथन किया है कि जो ये इस कथा को सुनेंगे उन पर भी यदि मिथ्या किसी प्रकार का आरोप लगा होगा तो वो उसका मार्जन हो जाएगा। इसके बाद तो भगवान श्री हरि की चौथी विवाह विधि हुई है सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी के साथ। ये कालिंदी ऐसी हैं जो गोकुल में भी है और मथुरा में भी है और द्वारका में भी है। भगवान के पूरे अवतार के दरमियान ये एक ऐसा पात्र है जो भगवान के हमेशा साथ रहा। गोकुल में नदी के रूप में जमुना जी है, मथुरा में भी विश्राम घाट है तो नदी के रूप में है जमुना जी, वहाँ पर भी विराज बह रही हैं, और यहाँ द्वारका जी में कालिंदी के रूप में चतुर्थ पटरानी के रूप में जमुना जी विराजती हैं। कृष्ण के साथ पूरे अवतार में ये साथ में रही हैं। ऐसा कोई दूसरा भी था जो गोकुल में भी हो, मथुरा में भी हो और द्वारका में भी हो, ऐसा कोई है? उद्धव गोकुल में नहीं थे, सुदामा तो बिल्कुल भी नहीं थे, दाऊजी राइट, दाऊजी गोकुल में भी है, मथुरा में भी, कृष्ण के साथ मथुरा पधारे फिर वे अकेले गोकुल नहीं आए, और द्वारका जी भी थे, बिल्कुल सही। और कोई है? गोकुल मथुरा द्वारका तीनों जगह रहे। अब एक पात्र ही मुझे ध्यान में है लेकिन वो यदि आप बता दो तो फिर सच में बलिहारी बता दोगे तो मैं इंडिया में जाके कथा में सबको बताऊंगा कि अमेरिका वालों को कम मत समझना। कौन? लक्ष्मी जी कैसे पूरे अवतार में कहीं नहीं आती? इतना इजी भी नहीं है लेकिन बता दोगे तो गजब हो जाएगी मेरे लिए, मुझे बड़ा गौरव होगा। कौन? राधा? सवाल ज नहीं, कोई कोई प्रश्न ज नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राधा द्वारका में मिलती है। कौन? यशोदा जी मथुरा में भी नहीं, द्वारका में भी नहीं। कोई बात नहीं, ये कोई इतना आसान नहीं है, मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया इतना आसान नहीं है। है जी? यस। कौन? रोहिणी। दाऊ जी की मैया, क्योंकि वे कंस के त्रास के कारण ये गोकुल में ही थी। बलराम का जन्म उसी से हुआ है और बलराम सीधा गोकुल में ही प्रागट्य, मथुरा में ठाकुर जी की तरह प्रागट्य और फिर गोकुल पधारा, ऐसी बात नहीं है। रोहिणी जी पहले गोकुल में ही विराजती थी, फिर स्वाभाविक रूप से कंस मर गया और वसुदेव जी का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो उसमें रोहिणी जी, फिर नंदराई जी के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो रोहिणी ने गोकुल से मथुरा की यात्रा करी, ऐसी कोई कथा नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण ने सभी यादवों को बुला बुला करके फिर मथुरा में रखा था। 14 वर्ष तक मथुरा रहे हैं कृष्ण, तो तब बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रोहिणी जी वहां होंगी ही होंगी, क्योंकि दाऊ जी यहां है, वसुदेव देव की यहां है, कृष्ण यहां है, तो बिल्कुल रोहिणी जी वहां होंगी। और अब ये कथा और मेरे मन में वो पॉपअप हुई लेकिन मैं उसको दबा देता हूं, दूसरा काम करते हैं अपने। और स्वाभाविक रूप से सारे मथुरा वासियों को जब ठाकुर जी ने द्वारका जी पधराया था तो वहां पर ये भी रोहिणी जी भी गई होंगी, तो गोकुल में भी है और अपने मथुरा में भी है, द्वारका जी में भी है, ये भी है, तो अमेरिका वाले भी कम नहीं है। लेकिन आप तो अमेरिका वाली हो ही नहीं, ये तो मन से भारत में ही रहती है। भारत में ही क्या, आधी ब्रज में रहती है है ना ये जमुना जी का किनारा छोड़ती ही नहीं है। नारायण हरि। पॉपअप हुआ था वो क्या था वो भी बता दूं, क्योंकि मुझे क्या पता इसने मेरे मन में ये क्यों वो कथा। जगन्नाथ भगवान का जब वो श्री विग्रह का दर्शन करो तो ये चीज अभी जो बोल रहा हूँ ना वो याद रखना। कहते हैं कि वो भगवान खड़े क्यों हैं, जगन्नाथ भगवान खड़े क्यों हैं और स्तब्ध एकदम स्थिर क्यों हैं, तो वो कथा मिलती है कि एक बार द्वारका में कृष्ण भगवान की सारी पटरानियों ने मिलकर रोहिणी जी को कहा कि माँ आप बैठो।
तो द्वारका जी में श्री कृष्ण परमात्मा की सारी पटरानियां मिलकर के रोहिणी जी को बिठाती हैं, और जैसे ही रोहिणी जी कहती है कि क्या है सब छोरियां मुझे आज पकड़ती हो, क्या बात है, बोले हम आपसे कुछ सुनना चाहती हैं। बोले सुनाइए। कहा कि पूछो क्या सुनना चाहती हो। बोले ये कृष्ण परमात्मा जो हैं वो गोकुल में जब थे तब क्या लीलाएं करते थे, सब आपकी अपनी आंखों देखी हुई है। बोले हाँ देखी है। बोले हमको वो सब सुनाओ, कृष्ण गोकुल में क्या करते थे वो कृष्ण की पटरानियों को सुनना है। तो यशोदा जी को कहाँ पूछने जाए, वो तो द्वारका में थी नहीं, लेकिन रोहिणी जी थी। तो रोहिणी जी को बिठा करके वो सारी की सारी कृष्ण की पत्नियां कृष्ण की वो बालपन की लीलाएं वो सब सुनती हैं, और वो जब सुनती हैं तो ठाकुर जी को पता चल गया कि अपने तो पन्ने खुल रहे हैं उधर और ये तो गड़बड़ हो सकती है, और पता नहीं क्या सुनाएगी रोहिणी माँ, और कृष्ण सामने खड़े हों तो शायद उनको संकोच हो थोड़ा। तो उस वजह से ये तीनों भाई बहन बलराम सुभद्रा और दाऊ दादा अरे कन्हैया, तीनों भाई बहन वो वहाँ कहते हैं कान लगा कर सुन रहे हैं कि रोहिणी माता गोकुल के चरित्रों को कैसे गा रही हैं। तो ये सुन रहे हैं अपने ही चरित्रों को सुन रहे हैं, ऐसे ठाकुर हैं जगन्नाथ भगवान। तो पता नहीं ये कथा मेरे मन में क्यों पॉपअप हुई, लेकिन वो रोहिणी जी के साथ संबंधित है, इसलिए रोहिणी जी कथा सुना रही है अंदर, वो भगवान की सारी पत्नियां सुन रही हैं, ठाकुर जी बाहर खड़े हैं और वहां से सुन रहे हैं कि मेरे बारे में क्या बोल रही है। ये रोहिणी जी का चरित्र। तो जमुना जी भगवान के पूरे अवतार में गोकुल में मथुरा में द्वारका जी में साथ में है, दाऊ जी भी गोकुल में मथुरा में और द्वारका जी में साथ में है, और अपनी ये रोहिणी मैया भी गोकुल में मथुरा में द्वारका जी में साथ में है। तो कालिंदी के साथ परमात्मा श्री हरि का विवाह हुआ, फिर मित्रविंदा सत्या भद्रा लक्ष्मणा के साथ परमात्मा का विवाह होता है। भगवान श्री हरि का यह विवाह, इसकी कथा बताया। इसके बाद में तो फिर श्री कृष्ण परमात्मा जाते हैं भौमासुर को मारने के लिए। उनको पता चला, इंद्र महाराज ने आकर के बताया, अदिति के कुंडल ले लिए हैं, वरुण का एक स्थान ले लिया है और 16,100 राजकन्याओं को कैद किया है भौमासुर ने। भगवान श्री हरि जाकर के मूर दैत्य को मारते हैं, उनका नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भगवान श्री हरि का नाम मूर दैत्य के अरी, अरी माने दुश्मन, तो मूर दैत्य के अरी हैं मुरारी, भगवान श्री हरि का नाम मुरारी पड़ा। इसके बाद भौमासुर को मारा और उसकी कैद करी हुई 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने छुड़ाया। भगवान ने कहा कि अब सब अपने अपने घर जाओ, लेकिन परमात्मा श्री हरि का सब लोगों ने दर्शन किया तो वो सारी की सारी कन्याओं ने एक साथ अपना मन परमात्मा श्री हरि को समर्पित किया। भगवान श्री हरि ने जैसे ही देखा कि सबका मन मुझ में लगा है, तो भगवान ने दो बातें सोची, एक तो ये 16,000 है उसको मैं उसके पिता के घर भेज दूं, तो क्योंकि ये राक्षस के यहाँ रही हुई है इस वजह से हो सकता है कि लोग इसके बारे में कुछ भी अंटसंट बके। अब त्रेता युग में जानकी जी के बारे में बोलने वाले भी थे, तो ये तो द्वापर युग की कथा है, तो सीता के बारे में भी बोले तो क्या इन राजकुमारियों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो इन लड़कियों का फिर होगा क्या? 16,000 कन्याएं हैं, अब इनका हाथ पकड़ने वाला यदि कोई नहीं मिले तो सामाजिक रूप से इसका विचार करें, हम सबको 3 बार भूख लगती है, हम सब जानते हैं, तो होगा क्या? कृष्ण ने सोचा कि ये करेंगे, इनको अपने पिता के घर भेज देंगे और यदि इसमें से कुछ की यदि विवाह हो भी गया, लेकिन बाकी का क्या होगा? सामाजिक रूप से बड़ी समस्या हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक दृश्य वो है कि समाज में इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाए, और दूसरा दृश्य ये है कि मैं यदि इनका स्वीकार कर लूं तो फिर लोग रास्ता दे देंगे, यदि ये निकलेंगी रास्ते में से कहेंगे कि ये द्वारकाधीश की पटरानी है, बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाएगा इनको। भगवान श्री हरि ने फिर सोचा कि भाई आखिर में बेसिक नीड क्या है, सबको रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए होता है ना, आखिर क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई, इतना ही चाहिए, तो वो सब दे सकते हैं हम, इससे ज्यादा ये बेसिक नीड है। अभी रोटी कपड़ा मकान के साथ वाईफाई जोड़ दिया मैंने, इट्स बेसिक नीड। एमिरेट्स के विमानों में मैंने देखा है, और कहीं तो देखा नहीं है,
यू कैन बाय इंटरनेट 40,000 फुट ऊपर व्हाट्सएप रमो छूट और किसी में भी आता है कई एयरलाइन कंपनियां आप देने लगी हैं ठीक है ना। हाँ मैंने जिसमें देखा था उसका मैंने कहा तो आपने भी आप भी अच्छा डेल्टा में भी मिलता है औरों में भी मिलता होगा। तो अब ये बेसिक नीड हो गई है नहीं तो क्यों वहाँ उसमें शांति थी। एक कज मन न हम जाई हूँ काले आलोकों के तो मैं कहता एक न हम जाई एवड़ो धाबड़ो आपे के टाँटिया ढाको तो मोढ़ू रही जाई अने मोढ़ू ढाको टाँटिया निकली जाए। ये इसका मुझे समझ में ही नहीं आता कि या मत दो यार ठीक से दो ना यार टुवाल ही नहीं धाबड़ो ही नहीं चादर ही नहीं हूँ वो एक तो ईज सवाल અને જાણે આપણે કેમ થેલામ નાખીને લઈ જવાના એમ ઉતરવાના થાય ત્યાં તો ઓલા બેન આવે લાવો પાછા હવે આપણે ખોયલું જ નથી લઈ જાય ને ભાઈ એક ચીજ મેરે તો વાઈફાઈ ઇઝ બેઝિક નીડ નાઉ યા રોટી કપડા મકાન વાઈફાઈ ઠાકુરજીને કહા સબ કુછ દેંગે। ભગવાન શ્રી હરિને 16,000 કા હાથ પકડા ભગવાન શ્રી હરિને જિસ તરહ સે ઉન સબકો અપનાયા હૈ ઉનકો સોશિયલ સ્ટેટસ દેખીએ કિતના બડા वो कितना महान स्टेटस मिला। कृष्ण की पत्नियां कथा के रूप में ये है संत लोग समझाते हैं वेदों में 16,100 उपासना कांड की श्रुतियां हैं भक्तिमयी श्रुतियां हैं ये भगवान का वर्णन तो करती हैं लेकिन इनको भगवान का अनुभव नहीं है। इन श्रुतियों ने भगवान को प्रार्थना करी वेद के इन मंत्रों ने परमात्मा से कहा प्रभु हम आपका वर्णन तो करते हैं लेकिन हमको आपका अनुभव नहीं है आप कृपा करके हमको अपना अनुभव कराएं। भगवान श्री हरि ने उनको 16,100 राजकन्याओं के रूप में स्वीकार किया है और अपनी पत्नी बनाया है। इसके बाद तो परमात्मा श्री हरि कभी रुक्मणी के साथ देखो ये तो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि एक ही घर में रहने वाले लोग यदि एकाध महीने में एकाध बार नहीं झगड़े ना तो वो इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। सो सीखो ये हैशटैग फिर से आता है एकाध बार तो बस कारण विना कही ने गया हो कि खिचड़ी बनावजे एटले आपणे धरारदार ढोकड़ी बनावी अने पछी चालू कि तारा अकल ज नथी कीधु हा आपणे जेवा होय एवुं ज मळे एम करीने शुरू कर देवू संबंधो એટલે આમ હળગાવવાનું માટે થી કુછ ભી કર સકતે હો। એક પતિ પત્ની રાત મે વોકિંગ કે લિયે નીકળે તો ઇધર તો દર્શન હી નહીં હોતે લેકિન અપને ઇન્ડિયા મે તો પાન કા ગલ્લા કહીં ભી દિખતા હૈ ઠીક હૈ ના પાન કે વો દુકાન દિખતી રહેતી હૈ એક સાથ ચાર દુકાન લગાઓ ચારો ચલેગી ઇતને વો પાન ઓર યે સબ ખાતે હૈ ઓર ફિર પેઇન્ટિંગ ભી કરતે હૈ ઓકે तो पति पत्नी वॉकिंग में निकले थे तो उसमें पति ने पत्नी के सामने देख के मुस्कुरा के पूछा कि क्यों पान खाओगी तो उसने कहा कि हाँ आप खिलाएंगे तो खाएंगे। तो पति वो उसको ये झगड़ा कैसे शुरू करना ये सिखा रहा हूँ ओके। तो पति ने उस पत्नी को पान लेकर के दिया और उसने खाया फिर उस पत्नी ने ऐसे ही आनंद में पूछा कि आपको नहीं खाना था। अब इसने पेट्रोल छिड़का देखो कैसे छिड़का बोलता है मैं तो बिना पान खाए भी चुप रह सकता हूं ओली नेम थी वैसे कि गन भेगी लेने आई होत ने तो हारू होत। मैं तो बिना पान खाए भी चुप रह अब क्या हुआ होगा बताओ इसके बाद रेस्ट मस्ट बी हिस्ट्री। ऐसा है तो ऐसा कहते हैं कि थोड़ा झगड़ा वगैरह होना ये हेल्दी रिलेशनशिप का ये निशानी है और ये सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा है ना वो जानता नहीं होगा। एक्चुअली एक कजनो था ही एक थी वधारे थी जाई के ना आया खोटा खोटा नानो पड़ता हाचू वही बोलो आई कोई बार नू छे नहीं हाचू बोल दियो बता घर ना बैठा है एक से ज्यादा ही हो जाता है।
और नहीं होता है तो खराब। सोशल साइंटिस्ट ने कहा है झगड़ा किया करो, आप दोनों ओर से फंसोगे। अब ये बात मैं क्यों चला रहा हूं, बोले यहां भी ये हुआ। एक बार ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे पलंग पर, रुक्मणी जी पंखा चल रही थी, और रुक्मणी को पता नहीं कहां से थिंकिंग शुरू हो गई, ये कपाट है वो भी मोरला वालों कपाट से ही मारा बापा ने घर थी आई वो छे, और ठाकुर जी जिस पर पोड़े हैं ये भी मेरे पिताजी के घर से आया है। अरे औरों की क्या बात, ये पंखा भी तो मेरे पिताजी के घर से मिलाई हूँ। सब यही शुरू हुआ। तो ठाकुर जी धीरे से सोए थे ना, तो ऐसे बोले आप भी आपके पिताजी के घर से आई हो। फिर उठ करके बैठ गए और कहा कि रुक्मणी एक सवाल था। बोले क्या? बोले उस टाइम तो आपने ये मुझे पत्र भेजा और फिर मैं भी रात में भागा दौड़ा वहां पर आया और फिर मारा मारी करके आपको उठा करके लाया ये वो, लेकिन फिर अब सोचता हूं तो ऐसे लगता है कुछ जल्दबाजी हो गई है ऐसा लगता है। यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि गड़बड़ हो गई और मैं भटकाई गई ऐसा कुछ लगता हो तो फिर अपने तो अभी भी कंट्रोल जेड कर सकते हैं, अनडू करना हो तो अभी भी कर लें। ये तो ठीक है, मैं उस दिन आ गया था, ये सब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अच्छा ठाकुर जी ये जब कह रहे हैं तब प्रद्युम्न का जन्म तो कब से हो गया है ना? ठाकुर जी और ये दोनों तो माता पिता तो ही हैं, शायद अनिरुद्ध का भी जन्म हो गया हो तो ये तो दादा दादी बन गए हों, क्योंकि अब तुरंत आगे वही कथा है सब। भगवान श्री हरि ने रुक्मणी को कहा कि यदि जल्दबाजी में तुमने ये कर दिया हो तो मैं स्वयं कुंडिनपुर वापस छोड़ने आ सकता हूं। अब ठाकुर जी का वियोग होगा ये केवल सुना कान से, और भगवान के ही मुंह से सुना, रुक्मणी वहीं पर मूर्छा गिर ही जाने वाली थी, लेकिन द्वारकाधीश तो चतुर्भुज हैं, दो हाथ से रुक्मणी को पकड़ लिया, एक हाथ से उसके केश पास को उसके मुंह से हटाया, और फिर वो जो पंखा लेकर के रुक्मणी ठाकुर जी को हवा जल रही थी वही के वही पंखे को उठा करके ठाकुर जी ने, रुक्मणी रुक्मणी मैं तो मस्करी कर रहा था, मैं तो मस्करी कर रहा था। इसके बाद फिर भगवान श्री हरि को रुक्मणी ने कुछ संवाद किया है, तो भगवान ने पहले अपनी निंदा में जो कुछ कहा, भगवान ये सब बोले कि हम तो ये राजाओं के डर से भाग करके आए हैं और हम तो समुद्र के बीच में रहते हैं और हम तो ग्वाले हैं, आप तो राजकुमारी हो, वो जो कुछ भगवान अपनी निंदा में बोले श्रीमद् भागवत में वो जगह देखने जैसी है। श्रीमद् भागवत में ये यहाँ दर्शाया गया है कि रुक्मणी ने उन सारी बातों को भगवान की स्तुति के अर्थ में लेकर के ठाकुर जी को दिखा दिया। जैसे ठाकुर जी ने कहा कि हम तो गोपाल हैं यानी ग्वाले हैं, लेकिन रुक्मणी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आप गोपाल हैं, असल में गो का एक अर्थ ब्रह्मांड है, आप पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं। इस तरह से सभी निंदात्मक वाक्यों का उन्होंने स्तुति परक अर्थ किया है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं रुक्मणी जहां पत्र लिखती है ठाकुर जी को और रुक्मणी यहां कृष्ण को उत्तर देती है, उन दोनों में रुक्मणी के आईक्यू का पता चलता है, कितनी बुद्धिमान महिला थी। इसके बाद तो भगवान की संतति का वर्णन किया गया। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध और रोचना का विवाह हुआ है, उस विवाह में रुक्मी का बलराम जी द्वारा वध हुआ है। इसके बाद तो फिर उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ, जिसमें शिव और कृष्ण ये दोनों सामने सामने युद्ध के लिए आ गए थे, ये कथा है। नृग नाम का एक राजा था, कई गायों का दान किया था उसने, एक बार एक ही गाय दो ब्राह्मणों को गलती से दे दिया। दोनों ब्राह्मणों को जब पता चला कि ये मेरी गलती है तो दोनों ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दोनों में से एक भी ब्राह्मण उस एक गाय के बदले में 100,000 गाय लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए। क्यों? बोले वो गो विक्रय हो जाता, इस वजह से राजा को शाप मिला है, सरकंडा बन के पड़ा है उस कुंड में। ये द्वारका जी जब हम जाते हैं तो द्वारका नगर में पहुँचते ही लेफ्ट साइड में एक गेट है, कभी द्वारका जाएँ तो देखें, और वहाँ जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर कुंड है, उसी की जगह की ये कथा है, कृकलास कुंड कहते हैं। तो वो सरकंडा बन करके पड़ा था उसमें, गुजराती में काचिंडो के ना ऐसा रूप लेकर के। अब वो यादवों के सारे कुमार वो बच्चे जो थे वो सब वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि अंदर सरकंडा पड़ा है, इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए, खूब उसको बचाने की और उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन निकाल नहीं पाए।
कृष्ण परमात्मा को बुलाया है, ठाकुर जी ने लीला मात्र में उसको बाहर निकाला, उसका शरीर छूट गया, उसमें से ये नृग राजा प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि ने उसको वरदान देकर के भेज दिया उसके लोक में, वो प्रणाम करके चला गया। अपने सारे सगे संबंधियों को भगवान श्री हरि ने कहा, कभी भी ब्राह्मणों का धन मत खाना, विष भी प्रतिक्रिया है, यानी विष की भी कोई दवाई है, इस वजह से उसको भी मैं हलाहल नहीं मानता, लेकिन ब्राह्मणों का जो धन है ये हलाहल है। यहां ब्राह्मणों का धन लिखा है, यानी जो भी इस तरह से अपनी आजीविका चलाने वाले, ये यज्ञ याग आदि करके, पठन पाठन आदि करके, और जो और किसी प्रकार का दुकान धंधा फैक्ट्री नहीं चलाते और केवल शिष्यों के द्वारा ही जिनकी ये आजीविका चलती है, ऐसे ब्राह्मण थे तब उस समय, तो उन लोगों के लिए लिखा है। आज के समय में हमको समझना है तो जो हमारा नहीं है किसी प्रकार से हमको उसको हाथ भी लगाना नहीं चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से निकलें, यदि हमने देखा $20 का $50 का नोट पड़ा है, मंदिर की पेटी में डालने के लिए भी उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो हाथ लगाया उसके बाद मंदिर की पेटी तक पहुँचे तो पहुँचे, कोई भरोसा नहीं, अपना कोई भरोसा नहीं। परधन नव जाले हाथ रे, मना किया है परमात्मा श्री हरि ने, कहा कि ब्राह्मणों का धन जो है वो नहीं लेना। फिर एक बार दाऊ दादा को व्रज में भेजा कन्हैया ने, वहां यमुना कर्षण किया है इसकी कथा है, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया है, वाराणसी दहन की कथा सुनाया, बलराम जी के और चरित्र पूछे तो द्विविध वानर का उद्धार किया उसकी चर्चा है, फिर कौरवों के ऊपर दाऊ जी का एक बार क्रोध हो गया, कैसे हुआ, बोले दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा उसका विवाह हो रहा था और सांब कृष्ण का जाम्बवती से हुआ पुत्र है, वो वहां जाता है और वहां जाकर के उसका हरण करता है, सारे कौरवों ने मिलकर के उसको जेल में डाल दिया। द्वारका जैसे ही पता चला, कृष्ण परमात्मा और सारे यादव खड़े हो गए, मार देंगे दुर्योधन को आज ही और हम अपने बेटे को छुड़ा करके लाएंगे। दाऊ जी ने सोचा कि परिवार परिवार में झगड़ा ना हो तो अच्छा है, और वैसे ही उनके पास वो शिखा है ना गदायुद्ध, इस वजह से थोड़ा प्रेम भी है उनको, तो सोचा कि झगड़ा ना हो तो बहुत अच्छा। वहां जाकर के दाऊ जी ने दुर्योधन और सबको आज्ञा दिया कि तुम हमारे बेटे को छोड़ दो और अपनी छोड़ी भी दो, दोनों दो, लेकिन वो तो सब कहां समझने वाले थे वो सब, और दुर्योधन तो अंट संट कुछ भी दाऊ जी के सामने बका, पैरों की जूतियां सिर पर चढ़ना चाहती आदि आदि कुछ भी बोला। वो तो फिर चला गया हस्तिनापुर में, दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया है, दाऊ जी ने हस्तिनापुर में वो वहां पर उसकी सीमा में जैसे ही हल वो करके फिर सोचा कि पूरे नगर को गंगा जी में डाल दूंगा, पूरा नगर उठा लिया। और तब भीष्म आदि बड़े बूढ़ों ने दुर्योधन का कान पकड़ा कि ऐसा समधि कहाँ मिलेगा, फिर तो दुर्योधन शरण में आया है लक्ष्मणा को, सांब को, और फिर बहुत सारा दायज भी दिया है, ये बड़े यादव शक्तिशाली थे, जो भी चाहते थे वो सब हो जाता था। इसके बाद तो फिर नारद जी की कथा सुनाया, एक बार नारद जी द्वारका में पधारे और उन्होंने सोचा कि 16108, अब इतनी सारी माता जियों को भगवान एक साथ कैसे संभालते होंगे, रोज एक एक के घर में जाएंगे तब भी 30-32 साल के बाद दूसरी बार नंबर लगेगा, तो जिंदगी में एक दो बार ही नंबर लगे तो ये तो कोई विवाह करने का मतलब नहीं रहा, तो ये कैसे संभालते होंगे। श्री नारद जी वहां पर गए, एक्चुअली नारद जी कौन है, बोले वो जर्नलिस्ट ही हैं। तो नारद जी जब देखते हैं तो हकीकत में पूरी दुनिया को दिखाते हैं वे, और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी तो सभी रानियों के घरों में थे, ये बहुत अच्छी कथा है, 16,000 रानियों के घरों में भगवान को नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने देखा, इसका मतलब क्या है, इस जमाने में हमको क्या काम लग सकती है ये कथा, बोले हमको इस तरह से काम लग सकती है कि भगवान 16,000 के घर में थे, अपने घर में तो माता पिता हों या एक दो बच्चे हों और हम आप और पत्नी हों, इतने ही तो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग होंगे मैक्सिमम, या फिर 3-4 ही होते हैं, तो ये जितने लोग हैं तो वो 16,000 और फिर उनके माता पिता और उनकी कई माताएँ, ठाकुर जी सबको संभाल लेते थे, भगवान सबको लगता था कि भगवान की दृष्टि मुझ पर भी है, तो वो भगवान है इसलिए 16,000 को संभाल सकते हैं या उससे भी ज़्यादा उनके सगे संबंधियों को संभाल सकते हैं, हम पर जिम्मेदारी कोई एक दो को 3-4 को संभालने की ही होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जिनके भी पीछे हमारा नाम लगता हो
उन सबको तो कम से कम ऐसे लगना चाहिए कि इनका ध्यान मुझ पर भी है, मेरी हर समस्या में ये मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे हर सुख में ये मेरे सुख में बढ़ोतरी कराने के लिए आ जाते हैं, इनका ध्यान मुझ पर भी है। आपके घर में तीन चार लोग होंगे, इतने तीन चार लोगों पर तो हम ध्यान दे सकते हैं। यहां तो 16,000 के घर में भगवान थे, अपने अपने घर में तो दो चार लोग ही हैं, तो दो चार लोगों को तो हम अच्छे से संभालने चाहिए, यही नारद जी ने हमको बताया है। इसके बाद भगवान श्री हरि की दिनचर्या का वर्णन है। सवेरे 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने परम स्वरूप का ध्यान करते हैं, और इसके बाद स्नान, संध्या, होम, तर्पण आदि सारी विधियां करते हैं, और फिर वो मंगल वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दान देते हैं, और उसके बाद सूर्य नारायण को प्रणाम करके, और फिर उद्धव तब तक और दारुक नाम का सारथी वो रथ लेकर तैयार होता है, सारी रानियां जरूखों में खड़े रह करके ठाकुर जी को विदा देती हैं, और ठाकुर जी इस तरह से सुधर्मा सभा में जाते हैं, राजकाज करते हैं, ये सब चलता है उनका। एक बार उस सभा में, राज्यसभा में बैठे थे, तो जरासंध के कैद किए हुए राजाओं का दूत आया, उसने ठाकुर जी को कहा कि महाराज, अन्याय के विरुद्ध आपका आक्रोश प्रसिद्ध है, आप हम सब लोगों को बचाइए ना। ये संख्या में 20,800 थे। जरासंध के कैद किए हुए उन राजाओं ने जब वो शिकायत लेकर के उस दूत को भेजा, तब तक श्री नारद जी भी पधारे। नारद जी यहां युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के पधारे थे। कृष्ण परमात्मा ने उद्धव को पूछा, बताओ उद्धव कहां जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, महाराज राजसूय यज्ञ में जाइए। क्यों? बोले, वहां राजसूय यज्ञ करना हो किसी को तो उसको कम से कम ये पूरी पृथ्वी को जीतना पड़ता है, पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीतना पड़ता है, यदि ये नहीं कर सके तो हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि को उद्धव जी ने कहा है, महाराज चारों पांडवों को भेजेंगे, चारों दिशाओं में वे चारों दिशाओं को जीत करके आएंगे, जरासंध नहीं जीता गया होगा तो फिर आप, अर्जुन और भीम तीनों जाएंगे, और फिर द्वंद्व युद्ध करके जरासंध को जीत करके वापस आएंगे, और दुनिया में आपकी कीर्ति फैलेगी। उद्धव के कहे अनुसार ही हुआ है। कृष्ण परमात्मा इंद्रप्रस्थ पधारे, पांडवों द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया है, दिग्विजय किया गया, जरासंध का वध कृष्ण ये भीम के हाथों कृष्ण की कृपा से हुआ है। फिर कृष्ण भगवान ने जरासंध की कैद में से वो राजाओं को मुक्त किया है, सारे राजा मिलकर के आए हैं, उन सब का वो ये सब बाल दाढ़ी और वो सब करवाया, फिर सबको नए वस्त्र पहनाया और अलंकार आदि पहना करके रथों में विराजमान किया है। उन सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी है। उस स्तुति का अंतिम श्लोक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। आपको अनुकूल हो, मैं इसके बारे में पहले दिन ही बात कर चुका, यदि अनुकूलता हो तो आपको ये रोज करना चाहिए, यदि कुछ नहीं करते हो तो, बाकी कुछ करते हो तो अपना वो चालू रखो। यदि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का रोज पाठ करना चाहो तो ये बहुत अच्छा श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। सारे राजाओं को उन्होंने अपने अपने घरों में भेज दिया। इसके बाद में फिर यहाँ वापस आए हैं इंद्रप्रस्थ। दिव्य यज्ञ का प्रारंभ हुआ है और उसमें अग्र पूजा किसकी करी जाए, तब तक सहदेव खड़ा हुआ है, और सहदेव ने, ये 5 पांडवों में से एक सहदेव, सहदेव खड़ा होकर के कहता है कि कृष्ण परमात्मा जहाँ विराज रहे हों वहाँ और किसी की पूजा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ठाकुर जी तो विश्वमय हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो समस्त प्राणी मात्र की, अरे अपनी भी पूजा हो जाती है। सब लोगों ने साधु साधु करके सहदेव की प्रशंसा करी है। युधिष्ठिर महाराज वो नेत्रों में खुशी के आंसू और प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं। पूजा पूरी हो गई, इसके बाद में असमय में ये शिशुपाल खड़ा हुआ, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये सब बैठे हैं और तुम लोग मिलकर के इस ग्वाले की पूजा करते हो, ये वो बहुत कुछ बोला है। सारे यादव जब ये गालियां बकने लगा तो तलवार निकाल करके खड़े हो गए। ठाकुर जी ने सबको बिठा दिया है और फिर जैसे ही उंगली यूं करी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है और गालियां बकने वाले शिशुपाल का सिर उतार लिया है। शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, भगवान श्री हरि में वो मिल गई है।
फिर तो राजसूय यज्ञ की पूर्णा होती होती है। दुर्योधन ने सोचा कि मैंने सुना है कि ये युधिष्ठिर ने अपना महल बहुत अच्छा बनाया है, तो दुर्योधन घुसा वो महल को देखने के लिए। अब जहाँ असल में थी तो जमीन, लेकिन लगे कि पानी जैसा है, दुर्योधन वहाँ थोड़े अपने वस्त्रों को उठा करके चला। वहाँ दास दासी सब खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज ये पानी जैसा दिखता नहीं, दिखता है पानी नहीं है, आप डरो मत, अपने वस्त्रों को जैसे थे वैसे ही रख दो, सब पता है, ये वो करके उसको डांटने लगा। अब जहाँ सच में पानी था वहाँ पर दास दासियों को खड़ा किया गया था कि लोग इसको देखें जरूर लेकिन इसमें कोई गिर न जाए, तो तुम यहाँ रोकना उनको। और उस समय दुर्योधन को उन्होंने रोका कि महाराज ये पानी है, दिखे जमीन चाहे लेकिन ये है पानी। तो फिर उसको भी डांटने लगा, हमने जैसे कुछ देखा ही नहीं है, सब आपके ही महाराज ने देखा है ये वो, और मेरी मस्खरी करते हो, तुमको पता है मैं कौन हूँ, दंड दूंगा, ये वो जमीन है कह रहे हो पानी है। उन्होंने दो तीन बार मना किया लेकिन ये समझे नहीं, और फिर क्या होना था वही, वो गिर गया पानी के कुंड में। भीम आदि राजा सब बहुत जोर से हंसे हैं, तो द्रौपदी वो कहते हैं कि हंसी और बोली कि ये अंधों के अंधे, ऐसा न महाभारत में है न भागवत में है न कहीं है, ये ऐसे ही चल पड़ा है, द्रौपदी का कुछ नहीं आता है इसमें, अंधे के अंधे होते हैं आदि, द्रौपदी कुछ नहीं। भीम आदि राजा खूब जोर से हंसे, ये लिखा है, तो स्वाभाविक रूप से कि दुर्योधन गिरेगा तो सबसे पहले जो हंसेगा वो भीम ही होगा, ये पक्का था। इस तरह से भीम को कुछ तकलीफ हो तो सबसे ज्यादा राजी होगा वो दुर्योधन ही होगा, ये भी पक्का था। तो ये हुआ। इस कथा से क्या सीखना, बोले ऐसे इंटीरियर यदि कराओगे जिसमें घर में पानी के खड्डे करोगे तो उसमें जो गिरेगा वो आपका अपना ही कोई भाई होगा। रास्ते चल रहे कोई दूसरा जो अपरिचित आदमी है वो आपके घर के अंदर ऐसा इंटीरियर कराओगे तो कोई होगा नहीं, तो क्या जरूरत थी घर में ऐसा पानी का खड्डा करने की, क्या हुआ फिर। हाँ आपड़ा जो सामान्य माणस हो तो एने एटली अकल हो कि एटला दी पानी पाटिया मुकी देवा एना ऊपर, है ना, कुछ तो करना चाहिए। यहाँ अत्यारे तो बधो बोर्ड मारी दे छे, सावधान अहीं पानी छे खाबकशो सब लिखते हैं। अब हुआ जो हुआ सो हुआ, सब भगवान की मर्जी से हुआ है। दुर्योधन का अपमान, दुर्योधन चला गया हस्तिनापुर। यहाँ ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ में विराजते थे, उधर शाल्व जो शिशुपाल का मित्र था बेवजह कृष्ण से दुश्मनी मोल लिया और वो तो तपस्या करने लगा शंकर भगवान पर। कैसी तपस्या थी पता है, रोज एक मुट्ठी रेती खाई, रेती बालू सैंड, ओहो घनी भाषा बोलेगी नहीं खनु, एक मुट्ठी रेती खाई ने तप करे रोज। शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि ये सब क्या लगा रखा है, क्या काम है, बोले वृष्णि नहीं तोड़ सके, वृष्णि कुल के लोग नहीं तोड़ सके, यादव लोग तोड़ नहीं सके, ऐसा विमान बना के दो। शंकर भगवान ने कहा दे दिया, ले क्या करना है इसका, बोले मैं वृष्णियों के साथ लड़ूंगा, शिशुपाल को मारा है कृष्ण ने, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। विमान लेकर के आया है द्वारका में, द्वारका में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी थे, प्रद्युम्न जी लड़ने लगे शाल्व के साथ। इंद्रप्रस्थ में ठाकुर जी को अपशगुन हुए, ठाकुर जी वहां से आए हैं द्वारका जी वापस, और फिर युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले लिया और फिर शाल्व का, शाल्व के विमान का, शाल्व की माया का, सबका नाश किया। तो वृष्णि लोग नहीं तोड़ सके तो कृष्ण ने उस विमान को कैसे तोड़ा, बोले शंकर भगवान ने पहले से ही कह दिया था जो रोज ब्राह्मणों की पूजा करता होगा वही तोड़ सकेगा, बाकी कोई नहीं तोड़ सकेंगे। और श्री कृष्ण परमात्मा का तो अपना यही नियम था, तो शाल्व का भगवान श्रीहरि ने उद्धार किया, ये कथा है। इसके बाद में दंतवक्त्र विदुरथ का उद्धार हुआ है। दंतवक्त्र को जब भगवान ने मारा तो उसी समय उसके भी शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, भगवान श्रीहरि में मिल गई। ये क्या है, बोले भगवान के ही द्वारपाल जय और विजय, इन दोनों के तीन जन्म होने थे, इन दोनों के ये तीनों जन्म परिपूर्ण हुए और अब वे दोनों भगवान की सेवा में फिर से वैकुंठ में पहुंच गए। इसके बाद तो फिर नैमिषारण्य में दाऊदादा द्वारा सूत हत्या हुई है, उसके मार्जन के लिए दाऊदादा ने फिर बलबल का उद्धार करके तीर्थ यात्रा करी है, इसकी कथा है। 80वें अध्याय में भगवान श्रीहरि के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। बहुत गरीबी थी, एक समय सुशीला जी ने कहा कि महाराज ये सब तो ठीक है कि आप भगवान ये ब्राह्मण हैं इसलिए उस तरह से रहते हैं, ब्रह्म को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इंद्रियार्थ में विरक्त हैं और गृहाश्रमी हैं, लेकिन महाराज आपको जो मिले उसमें आपको संतोष है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे आपकी पत्नी हूँ तो कि अपने बच्चों की माँ भी तो हूँ।
महाराज मैं चाहती हूँ कि आप अपने मित्र कृष्ण को मिलने के लिए जाएं। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम तो जानती हो फाइनेंशियल गैप जब बहुत बहुत ज़्यादा हो, आर्थिक विषमता जब ज़्यादा हो, तो उस समय वो जो छोटा है उसको बड़े के पास मित्र भी हो तो नहीं जाना चाहिए। बड़ा है वो बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास आ सकता है, लेकिन छोटे को बड़ों के पास जाने में बहुत सोचना चाहिए। वो तो यदि मित्र भाव से कुछ नहीं भी बोले, लेकिन उसके कोई सगे संबंधी, कोई दूसरा तीसरा, कोई दूसरा बोल दे, अपमान हो जाए, फिर क्या होगा? परमात्मा श्री हरि के पास जाने का मन तो है, लेकिन इसके लिए करें क्या? ये सुदामा जी ने कहा। सुशीला जी ने कहा, देखिए हम आप मांगने जाओ ये नहीं कह रही हैं, मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि आप मिलने जाओ। मांगने के लिए कौन कह रहा है, बस मिलने जाओ यही बहुत होगा। श्री सुदामा जी ने कहा कि देवी यदि मिलने भी जाना हो ना, तब भी जैसे मेरा विवाह हो गया है, मेरे बच्चे हैं, तो कृष्ण के भी तो होंगे, इसलिए जहाँ भी छोटे बच्चे हों, या देव मंदिर हो, या गुरुजन हो, या ब्राह्मण देवता हो, या राजा हो, कहीं भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते, हमारे यहाँ नियम है, हम कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। सुशीला जी ने कहा, यदि आप जाने के लिए तैयार हो तो फिर मैं ये व्यवस्था कर दूंगी। सुदामा जी ने कहा, अपने खाने के लिए है नहीं, लेकर के क्या जाऊंगा? बोले, ये वो अमर वाट की व्यवहार हुई, तुम्हें चिंता ना करो। पास में ब्राह्मण के घर से मांग करके चार मुट्ठी चिवड़ा लाई है, और वो अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसी में बांध दिया है, और देते हुए कहा कि आपके मित्र कृष्ण को इतना कहना कि तुम्हारी भाभी ने संदेशा भिजवाया है, कैलेंडर में तो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, और मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। सुदामा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर में कहाँ रोज एकादशी। बोले, वो आप नहीं समझोगे, वो जो समझता है उसको कहना, वो समझ जाएगा। कृष्ण परमात्मा का नाम लेते हुए श्री सुदामा जी ने प्रस्थान किया है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे, बोलो मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, दिनों से भोजन नहीं किया था, इस वजह से सुदामा जी ज्यादा चल सकने वाले नहीं थे। भगवान श्री हरि जैसे ही यहां से सुदामा जी पोरबंदर से चले तो द्वारका जी में खड़े हो गए एकदम। गरुड़ वहीं खड़ा था, कहा महाराज मैं यही हूं, आज्ञा करिए। बोले सुदामा आ रहा है, जल्दी भागो। धूप के कारण और बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया, इस वजह से अभी वो धूप के कारण गिर जाएगा, लू लगने वाली है उसको। गिरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम पर गिरना चाहिए। गरुड़ जी तुरंत गोमती के किनारे से फिर उड़ान भरते हुए चले पोरबंदर के मार्ग में, सुदामा जी के पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी थोड़े चले और हा कृष्ण करते हुए गिर पड़े हैं। जब गिरे तो सही, लेकिन फिर गरुड़ पर गिरे। भगवान की भक्ति करो, भगवान अपना व्हीकल भेज देते हैं।
गरुड़ जी आए हैं और फिर पोरबंदर से सुदामा जी को गरुड़ जी पर बिठा करके वो गरुड़ जी आए और फिर गोमती जी के किनारे रखा। शाम का समय जैसे ही वो मूर्छा बीती देखा तो द्वारका जी पहुंच गए हैं। किसी द्वारकावासी से पूछा, द्वारकावासी ने कहा यह द्वारका ही है महाराज, चिंता न करें, आप कहाँ जाना चाहते हैं, किसको मिलना चाहते हैं? बोले मैं अपने कन्हैया भैया से मिलना चाहता हूँ। द्वारकावासी ने देखा, कहा कि आज तक ऐसा कोई मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो द्वारका में कृष्ण भगवान को कन्हैया भैया कहते हों। सब लोग कहते हैं महाराजाधिराज द्वारकाधीश। बहुत अच्छा, आप कौन हैं? बोले मैं उनके साथ पढ़ा हूँ उज्जैन में। अच्छा अच्छा, आप उनके साथ पढ़े हैं, जरूर जरूर महाराज, चले जाइए। ये 52 गज की सफेद ध्वजा जो वो फर फर फरक रही है, श्री कृष्ण की कीर्ति पताका फहरा रही है, बस उसी महल में घुस जाइए, वहां परमात्मा का दर्शन होगा। सुदाम देव अपनी वो पादुकाओं को खट खट खटकाते हुए, अपनी लाठी को खटकाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए जैसे ही उस महल में प्रवेश किए हैं, श्री कृष्ण परमात्मा बड़े ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उन्होंने जैसे ही सुदामा को देखा, मेरा भाई आया, मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र आया, मेरा बाप आया, मेरा सुदामा आया करके दौड़े हैं श्री कृष्ण। ना तो कांधे पर उपवस्त्र था, ना तो सिर पर द्वारकाधीश का वो मुकुट था, ना तो पैरों में वो कुछ पहना हुआ था, ना ही वो द्वारपाल थे, ना ही वो स्वागत बखानने वाले, ना तो कोई साथ में, कोई बॉडीगार्ड, कुछ नहीं। और ठाकुर जी फिर से वो गोकुल का ग्वाला बन गए और चार चार सीढ़ियों को कूदते हुए भगवान श्री हरि, सुदामा मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण सुदामा को नहीं भूलते हैं, बहुत बड़ी बात है। शबरी राम राम करती है उसमें कौन बड़ी बात है, लेकिन राम शबरी को नहीं भूलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये राम और कृष्ण के चरित्रों से हमको सीखने को मिलता है कि इस तरह से रहना चाहिए। कृष्ण सुदामा दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं, एक ही मिनट में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। कृष्ण ने छोड़ दिया, सुदामा ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले सुदामा ने सोचा कि बहुत दिन हो गए कुछ खाना नहीं खाया है, हड्डियां दिखने लगी हैं, मैं अपने कन्हैया की कुछ सेवा न कर सकूं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी हड्डियां उसको लगे तो ना, उसके अंग में पीड़ा तो ना हो, कम से कम मेरी वजह से छोड़ दिया। और ये दोनों मित्र हैं, तो कृष्ण भगवान ने क्या सोचा? बोले बहुत दिन हो गए हैं इसने कुछ खाना नहीं खाया, और इसको देख करके मेरे हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि इसको मैंने हृदय से तो लगा लिया, कहीं जरा सा जोर से दबा दूंगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए कृष्ण ने भी छोड़ दिया। इसके बाद तो अपने आसन पर विराजमान किया है, और सारी रानियां एक दूसरे को पूछने लगी, ये कौन है, ये कौन है? तो वो सारी की सारी वही, हूं आई भी पची नहीं आई, वह मेरे आने के बाद नहीं आए, सारी की सारी। तो वो जूनियर से शुरू किया तो सारी अपनी सीनियर को पूछने लगी, और फिर आखिर में कोई जवाब नहीं दे पाया तो सबने रुक्मणी को पूछा, कौन है ये? रुक्मणी तो सबसे सीनियर मोस्ट, तो उसने भी यही कहा, हूं आई भी पची नहीं आई, तो सब चुप हो गई, पता नहीं कौन है। इस तरह से चार चार सीढ़ियां कूदते हुए उनका स्वागत करने के लिए दौड़े हैं। इस तरह से तो बलराम जी भी कभी आए तो कभी नहीं दौड़ते हैं, पता नहीं ये कौन है। और भगवान श्री कृष्ण के ऑर्डर छूटने लगे, गर्म पानी लाओ, तौलिया लाओ, खाने की अच्छी से अच्छी सामग्रियां बनाओ, खुद बनाओ, नौकरों को मत कहना, ये करना वो करना, और फटाफट एक दो ऑर्डर मिंडिया छूटवा, रानियों भटकायो, एक बीजी दिया रे, एक बीजी भटकाए, क्योंकि ठाकुर जी इस तरह से कभी ऑर्डर भी नहीं करते थे, आज पहली बार किया, और सारी की सारी उसको जिस जिसको जिस जिस काम में लगाया था सब करने लगी, और वही एक दूसरे के कौन है, सब ने कहा मुझे क्या पता कौन है। परमात्मा श्री हरि ने अपने सिंहासन पर बिठा करके श्री सुदामा जी के पांवों को पखारा है। किसी हिंदी भाषी कवि ने तो बहुत अच्छा लिखा, जैसे ही सुदामा की दीन दशा को देखा तो ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। ओ पानी परात को हाथ छुयो नहीं, ओ नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि भगवान को बड़ी करुणा हुई है,
रोने लगे हैं, सुदामा की ये दशा, मेरा मित्र है फिर भी ये दशा, ये दशा है ये बात अलग है, लेकिन ये दशा है फिर भी कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तेरा दोस्त होकर के मेरे को अंग पर एक वस्त्र भी नहीं है। भगवान अपने भगत को देख करके रीझते हैं, इसलिए कभी भी ठाकुर के पास जाओ तो उनके भक्तों के नाम सुनाओ। जब उनके भक्तों के नाम सुनते हैं, कुछ स्तुति नहीं आयत चलता है, लेकिन तुम भगवान के भक्तों के नाम भगवान को सुनाओ, वे बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगता है। सुदामा जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया है, स्नान करने के लिए ले गए, दिव्य स्नान हुआ है, फिर कई प्रकार के भोग। सुदामा जी ने सोने के थाल में बहुत भोग देखे तो आंखों में आंसू आ गए हैं। कृष्ण परमात्मा ने कहा, क्या है भैया? बोले, सुशीला की और बच्चों की याद आती है, उन लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, और मैं यहाँ ऐसे ही बैठ गया सोने के थाल में खाने के लिए। कृष्ण परमात्मा ने तभी मन में संकल्प किया है, सुदामा जी को कहा कि नहीं, मेरा प्रेम है, कुछ तो खाना पड़ेगा। सुदामा जी ने मन बेमन थोड़ा सा खाया है। ठाकुर जी, ऐसी कथा मिलती है, ठाकुर जी गरुड़ को कहते हैं, अब भी पोरबंदर जाएंगे, चल। और सुदामा जी का खाया हुआ थाल लेकर के और फिर ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर के सीधे पोरबंदर, और वहां आकर के ये सुदामा की झोंपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा कि मैं कृष्ण परमात्मा आया हूँ। कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी सुशीला दरवाजा खोलती है, ठाकुर आप पधारे, आपके भाई तो? बोले, सब पता है, उसको भोजन करा के सुला के आया हूँ, अब क्या है, अब अभी अभी यहाँ क्यों पधारे? बोले, इसी थाल में सुदामा ने खाया है, यदि तू मेरी भाभी है तो यही भोजन कर ले, मुझे पता है कितने दिन से भूखी है तू, तेरे बच्चों को तूने खाना तक नहीं खिलाया, कुछ होता तो खिलाती, मुझ पर विश्वास मान, मैं स्वयं कृष्ण हूं, अभी 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 इसी थाल में सुदामा ने भोजन किया है। सबको खाना खिला के ठाकुर जी वापस पधारे हैं, ऐसी भी एक कथा मिलती है। सुदामा जी एक रात्रि पर्यंत उनके घर में रहे हैं, द्वारकाधीश के महलों में। न प्रत्यक्ष कुछ भी सुदामा ने मांगा, न प्रत्यक्ष कुछ भी ठाकुर जी ने दिया, लेकिन भगवान श्री हरि ने दिया नहीं लेकिन लिया जरूर। क्या? बोले, सुदामा कब से वो चिवड़े की वो पोटली को छिपा रहा था, कृष्ण भगवान ने स्वयं ही उसको हर लिया है। क्या है, कब से छिपा रहा है? और गांठें खोलने लगे, जैसे सुदामा की जन्म जन्म की कर्मों की गांठें खोल रहे हैं, और जैसे ही चिवड़ा देखा है, जशोदा की याद आ गई, आंख में आंसू भी है, और मुट्ठी भर के जैसे कभी चिवड़ा नहीं देखा हो, ठाकुर जी इस तरह से खाने लगे हैं। एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, अपने समान ऐश्वर्य सुदामा को भी दिया है। आज भी आकर के देख लो पोरबंदर में, द्वारकाधीश के महल का, द्वारकाधीश मंदिर का जितना एरिया है ना, सुदामा मंदिर का थोड़ा ज्यादा ही है। सुदामा जी के मंदिर का एरिया देख सकते हो तुम, थोड़ा ज्यादा ही है, द्वारकाधीश के मंदिर से कम बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा श्री हरि ने अपने समान ऐश्वर्य सुदामा जी को दिया, दूसरी भी लेने वाले थे, द्वितीयाम जगदुम आददे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, हमको तो आपकी सेवा में रखो, क्योंकि वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो देखता नहीं है। यदि ठाकुर जी ने वो खा लिया होता तो रुक्मणी आदि 16108 यहां महारानियां हैं, वहां सुदामा के घर वो सारी की सारी दासियां होती। रुक्मणी ने कहा, हमको तो आपके चरणों के पास रखने दीजिए, हम यही ठीक है, वहां कुछ भी कमी कभी भी नहीं होगी। परमात्मा श्री हरि ने इस तरह से सुदामा का स्वागत किया है। किसान दिन भर काम करके थक करके सो जाता है, अपना 100% अपने खेत को देता है। मेघराजा सोचता है कि मुझे आखिर कितना देना है, मेरे पास जितना जल है उसमें से तो बहुत कम देना होता है ना, उसका खेत कितना और बात कितनी। इसलिए मेघराजा को शर्म लगती है, तो मेघराजा क्या करता है? बोले, वो किसान जब रात में थक कर सो जाए तो चुपचाप उसके खेत में पानी बरसा के भाग जाते हैं। तू तो 100% देता है, मेरे को तो कितना कम देना है। बस उसी तरह से कृष्ण परमात्मा ने भी सुदामा को पता न चले, इस तरह से सुदामा को अद्भुत ऐश्वर्य का दान किया है। बस इस कथा से यही सीखना, अपना फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, भैया हमको अपने मित्रों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग कभी कभी इस तरह से बिहेव करते हैं कि लाइफ है ये, लाइफ इज लाइक स्टेयरकेस, है ना, कुछ कभी कभी इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे सीढ़ियां हो। अब सीढ़ियों में तो ये होता है कि ऊपर वाले स्टेप पर पैर रखो ना तो नीचे वाले से उठा लो चलता है, इसके ऊपर वाले पे रखो तब उठा लेना ही होता है, मतलब उसका त्याग करना होता है। लेकिन लाइफ इज नॉट लाइक ए स्टेयरकेस, लाइफ इज लाइक ए ट्री, जितना भी ऊपर उठना चाहो तुम्हारे मूल उतने ही नीचे नीचे धंसने चाहिए। जितने ज्यादा मूल की पकड़ अच्छी होगी उतने ही ज्यादा फैल सकोगे। लाइफ इज लाइक ट्री, हम कहां थे उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
राम जी को देखो ना, राम भगवान का पूरा इन्वेस्टमेंट ओनली इन रिलेशनशिप्स। अयोध्या वासियों से संबंध है, मिथिला वासियों से संबंध है, गांव वालों से संबंध है, जब वनवास के लिए निकले तो सारे ऋषि महर्षियों से संबंध है, और सारे वो केवट वो गंगा पार कराने वाले उनसे संबंध है, भीलों से संबंध है, किस से संबंध नहीं है? रघुनाथ जी का रिलेशन सबके साथ। इसी तरह से एक भी संबंध ऐसा नहीं है जो प्रेशियस ना हो। अभी अभी वो फेसबुक भी मेमोरी भी दिखाता है ना, फेसबुक में जो होंगे उनको पता होगा, वो मेमोरी भी दिखाता है, 7 साल पहले आपने क्या लिखा था, 6 साल पहले इस दिन आपने क्या लिखा था। तो अभी अभी मुझे एक अच्छी वाली मेमोरी मेरे को उसने दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। उसमें ये था कि एक बाप और बेटा दोनों पतंग उड़ा रहे थे, तो बाप को बेटे ने कहा कि ये पतंग जो है वो इस डोर की वजह से ही ऊपर नहीं जा पा रहा, डोर काट दो, बेटे ने कहा। बाप ने कहा अच्छा ठीक है तो काट देते हैं। तो बाप ने उस डोर को काट दिया। अब जैसे ही कट हुई डोर, तो वो थोड़ा तो जरूर ऊपर गया वो पतंग, लेकिन फिर वो नीचे गिर गया। बाप ने उसको कहा कि देख, ये जो डोरी थी ना, वही थी जो पतंग को संभाल के खड़ी थी, वो जहां था वहीं का वहीं, वो इसलिए वो आनंद से हवा में नाच रहा था कि उसका रिलेशन मेरे हाथ, वो डोरी जो है वो मेरे हाथों में थी। अब उसको काट दिया कि ये बंधन है, इसकी वजह से ही हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यदि ऐसा सोचा तो चलो काट के देख लिया हमने, क्या हुआ? बोले हाँ, उसके बाद थोड़ा तो लगा कि देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्योंकि कोई आधार नहीं है, इसलिए वो ऊपर ऊंचाई पर भी टिकने के लिए कोई नीचे आधार चाहिए, वो नहीं है तो स्वाभाविक। अब ये इतना बड़ा स्लेब है, अच्छी बात है, लेकिन दीवारें ना हो तो ये किसके ऊपर टिकेगा? तो आधार तो उसका नीचे ही है ना, इसी के आधार पर ये टिका है, तो वो डोरी जो है वो नीचे ही होती है, इसलिए तो पतंग ऊपर हो सकता है। तो पिताजी ने बच्चे को समझाया कि प्यारे, ये सारे जो है ना, ये डोरी है ना, वो हमारे सारे के सारे रिलेशंस हैं। पतंग कौन है? हम खुद हैं। उसके बंधन में रहना यदि हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमको सोचना चाहिए कि जो बंधन लगता है असल में वो कैद नहीं है, वो किला है। किले में भी आप अंदर होते हैं और कैद में भी आप अंदर होते हैं, लेकिन कैद में अंदर से कोई चिटखनी नहीं होती, वहां बाहर से ही बंद करने का होता है, और किले में जब आप होते हैं तो सुरक्षित होते हैं। सारे रिलेशंस जो हैं वो इसी तरह के किले जैसे हैं। इसको इस तरह से लो, यदि तुम उस रिलेशंस को काट दोगे तो थोड़ी देर तो लगेगा कि हाँ देखो मर्जी पड़े कपड़ा पहरी ने फरी सकी है, हवे आपड़े मम्मी पप्पा नहीं, कोई कटकट छे नहीं, कोई माथे जोवा वाड़ू नथी, हाँ कहीं लप चपत नहीं, अपनी मर्जी पड़े हम जीवी शकिए। लेकिन कितने दिन नए नए जो मम्मी पप्पा बनते हैं ना, उसको पूछो कि घर में तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मम्मी पप्पा हो तो कितना अच्छा लगता है। कभी कहीं घूमने जाना हो तो दादा दादी होंगे घर में, तो फिर वो बच्चों को संभालेंगे कि मस्ती से तुम 2-3 घंटा घूम के आ जाओ, और नहीं तो फिर रहो। और फिर छोटे बच्चे को लेके कभी मूवी में बैठे अने आम बराबर नो क्लाइमेक्स आवे त्यारे जो लो भेकड़ो ताणे और सारे लोग नहीं बाहर निकलो, चलो बाहर जाओ, बच्चे को चुप करो, तो उठ के छोड़ के जाना पड़ता है। नहीं तो दादा दादी हो तो कितना फायदा मिले। तो सबकी जैसी व्यवस्था, इसका मतलब ये नहीं कि जो अकेले रहते हैं वो सब गलत ही करते हैं, सब अपनी अपनी तरह से, लेकिन इसका फायदा बहुत है। किसी चीज को देख करके कितनी देर बैठ सकोगे? मेरे पास एक वस्तु पड़ी हो तो इस वस्तु को देखकर मैं कितनी देर बैठ सकता हूं भाई? लेकिन मेरे पास एक अच्छा सा फ्लावर हो तो इसको देखकर हो सकता है मैं आधे घंटे तक कुछ मेडिटेशन कर पाऊं। क्या फर्क है इसमें? इट्स लाइव ना, फूल जो है वो लाइव है। अब देखो इसमें छोटी सी चेतना है, इसको देख करके 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, इसको देख करके आधा घंटा बैठ सकता हूं, लेकिन अच्छा रिलेशन हो मेरा किसी से और कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो उसके साथ पूरा जीवन भी रहा जा सकता है। यही फर्क है। हमको इसकी कीमत करना और हमको इसके साथ रहना। तो अपने जहां से पहले से आए हैं उस अपने मूल को कभी नहीं भूलना। सुदामा जी की दिव्य कथा बता करके फिर अन्यान्य कथाओं का वर्णन किया है, वेद स्तुति की चर्चा है, और
दशम स्कंद को विराम दिया है। एकादशम स्कंद में प्रारंभ में यादवों के परिवार को शाप लगा है ऋषि मुनियों का, और एकादश स्कंद में ज्ञान चर्चा है। उस ज्ञान चर्चा में कृष्ण और उद्धव का एक संवाद है। सबसे पहले नारद जी सत्संग कराते हैं वसुदेव देवकी को, देव फिर इसके बाद देवता लोग आते हैं, और देवता लोग आकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आप स्वधाम पधारें। इसके बाद भगवान श्री हरि और उद्धव का संवाद, तदंतर्गत राजा निमि और ये दत्तात्रेय अवधूत का संवाद है, और उसमें 24 गुरुओं की कथा है, और फिर भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग क्या नहीं समझाया उद्धव को। अपने पूरे के पूरे ज्ञान को भगवान श्री हरि ने उद्धव को दिया। इसके बाद अपनी पादुकाएं दिया है, उद्धव जी बद्री का आश्रम की ओर चले गए। भगवान श्री हरि यहाँ यादवों को लेकर के पधारे हैं, और उन्होंने यादवास्थली के द्वारा फिर सभी यादवों को धाम में पहुँचाया। अंत में उस बहलिए का बाण खा करके भगवान श्री हरि भी अपने इस अवतार कार्य को परिपूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार भगवान श्री हरि ने अपने में जो तेज था वो सब श्रीमद् भागवत में पधरा दिया है। इस वजह से ही यह भागवत केवल पुस्तक नहीं लेकर के भगवान श्री हरि का विग्रह है ये मानते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि का अवतार पूरा हुआ तो हमको कोई करुणा नहीं सोच इस ऐसा नहीं सोचना, हमको तो यही सोचना कि भगवान ने अपना वो जो मुरली धारण करते थे उस विग्रह को शांत कर दिया, उस शरीर को साथ नहीं लिया। वैसे वे चाहते तो अपने शरीर को रख सकते थे, महायोगेश्वर थे, अपने शरीर को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। क्यों? हम सबको समझाया कि यह शरीर जन्मा है, इसलिए एक न एक दिन गिरेगा, एक न एक दिन मरेगा, और उस वजह से फिर कब मौत आकर के खड़ी हो जाए पता नहीं चलता। इसी वजह से देखो हमने भी अपना शरीर नहीं रखा, लेकिन इस शरीर से कभी नहीं मरने वाली ऐसी कीर्ति हमने अर्जित कर लिया। भगवान श्री हरि का अवतार परिपूर्ण हुआ है। इसके बाद में फिर 12वां स्कंद जो है वो आश्रय लीला है। परमात्मा श्री हरि का चरित्र दशम स्कंद में और भगवान श्री हरि ने जो किया सो दशम स्कंद में आपको मिलेगा, और भगवान श्री हरि ने जो कहा वो सब 11वें स्कंद में हमको मिलता है। दशम स्कंद भगवान की करनी है तो फिर 11वां स्कंद भगवान की कथनी है। पहले सब कुछ किया है, इसके बाद में फिर कहा है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं दशम स्कंद को मैं माखन कहता हूँ, और 11वां स्कंद जो है वो घी है। थोड़ा पचने में वो भारी रहता है, लेकिन हम उसके साथ बैठें तो फिर उसके सारे लाभ हमको मिलते हैं। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो उन लोगों को श्रीमद् भागवत के एकादशम स्कंद का थोड़ा पारायण करने का वो नियम रखना चाहिए। कहते हैं उसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। एक को मैं आपको थोड़ा चखा दूँ, ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी इसमें से नहीं देखा हमने। कहते हैं कि जब एक उम्र आ जाए तो किसी के दोषों को भी नहीं देखना चाहिए और किसी के गुणों को भी नहीं देखना चाहिए। एक उम्र के बाद फिर कुछ अच्छा हो तो अच्छा कह करके फिर उसको मन में मत रखो, क्योंकि अच्छे में ज़्यादा मन लगेगा तो राग होगा, और यदि कुछ बुरा है उसमें ज़्यादा मन को लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर द्वेष होगा, और राग और द्वेष ये दोनों पुनर्जन्म में कारण बनते हैं। बच्चे पूछते हैं ना पुनर्जन्म क्यों होता है, मुझे राज भाई भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि एक बात तो ये है कि उनको ये कहना चाहिए कि ये जो अभी जो जन्म मिला है इसको संभाल लो, पुनर्जन्म के वो आपके लिए बड़ा दूर का विषय है, उसमें मत पड़ो। फिर भी यदि आपको लगे कि ये हमारे हिंदुओं में ये जो मेन पिलर्स हैं पांच, उसमें ये पुनर्जन्म तो है। 16 संस्कार हमारा पहला पिलर है, ये गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। 16 संस्कार हमारे यहाँ, ये हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे मेन पिलर, क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो मनुष्य के जन्म से शुरू होकर के उससे भी पहले, वैसे तो गर्भाधान संस्कार ये पिता कुछ मंत्र बोलते हैं, इसके बाद में ये माता के शरीर में अपने शुक्र को स्थापित करते हैं और वो गर्भाधान संस्कार है। वहाँ से लेकर फिर जात कर्म संस्कार और चूड़ाकरण, नामकरण और ये कर्णवेद और कई प्रकार के हमारे यहाँ यज्ञोपवीत और विवाह और फिर अंत में अंत्येष्टि, कई प्रकार के विद्यारम्भ भी संस्कार है। इस तरह से बहुत संस्कार है, 16 संस्कार ये सबसे पहला पिलर है। इसके बाद में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, हिंदू धर्म में जो मेन पांच पिलर मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री बताते हैं उसमें दूसरा वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके धर्म, और इसके बाद फिर 4 आश्रम है उनकी व्यवस्था हमारे यहाँ करी गई। तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम,
और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस तरह से चार वर्णों की व्यवस्था, चार आश्रम की व्यवस्था ये किया गया। इसके बाद में फिर चार पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार है। धर्म यानी धर्म का आचरण करना, अर्थ माने पैसा कमाना, और काम माने उस कमाए हुए पैसे का धर्म के अनुसार योग्य लगे उस तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करना और उस तरह से उसका उपयोग करना, और अंत में इन सारी चीज़ों को मन से भी निकाल करके मोक्ष के मार्ग पर चले जाना जहाँ किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। तो ये 16 संस्कार वर्णाश्रम व्यवस्था, फिर ये हो गया अपना ये वर्णाश्रम धर्म, और इसके बाद में जो चौथा है वो ये पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म में क्या है, हमारे यहाँ हम मानते हैं कि आपका बार बार जन्म होता है, जब तक वो कर्म पूरे नहीं हो जाते तब तक वो बार बार किया जाता है। तो हर बार हम जन्म लेते हैं तो उस समय हम आए तो फिर हमने जो पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे, ऐसे कर्म भी होते हैं ना जो इसी जन्म में पूरे के पूरे फल नहीं दे पाते, उसके लिए फिर दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे तुलसी का पौधा है, लगा दो तो वो सवेरे लगाया शाम को जम जाएगा माटी में, लेकिन यदि आप गुलाब का वो पौधा ला करके लगाओ तो सवेरे लगाओ तो शाम को नहीं उसमें गुलाब निकलने लगते, वो थोड़ा टाइम लेता है। इसी तरह से यदि गेहूं और बाजरी बो तो ये करने से वो कोई जैसे गुलाब 10 दिन में निकल आएंगे, इस तरह से 10 दिन में बाजरी गेहूं नहीं निकलते, इसको 1.5 महीना देना पड़ता है। और यदि फिर आम का वो पेड़ लगा दो तो बोले आम का पेड़ लगा दो तो फिर कम से कम ये हाइब्रिड के ज़माने में भी 2 साल ध्यान तो 2 साल के बाद आम आना शुरू होते हैं, पहले तो 20 साल लगते थे। अब तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, बाजरी गेहूं आदि और आम, ये चारों वैसे तो वनस्पति के रूप में ही है ना हमारे सामने, सबको जमीन में लगाया जाता है, सब में कुछ ना कुछ वो तो देखें तो वो उसकी जात जैसी हो, वो जिस टाइप का हो उतना टाइम लगाता है। उसी तरह से कर्मों का भी है, कर्म भी सारे के सारे एक साथ नहीं फलते। आप किसी को गाली दो ये कर्म तुरंत फलेगा, ठीक है ना, लेकिन आप भोजन करना शुरू करो तो कितनी ही ज्यादा भूख लगी हो तो भी वो भोजन करते हैं तो 10 मिनट के 15 मिनट के बाद में वो शांत होता है, तब तक तो वो भूख रहती है। तो ये कर्म अलग अलग हैं, इस वजह से हमको उसका फल मिलने में भी टाइम लगता है। तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म में पूरा पूरा फल नहीं दे पाते तो फिर उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कहा गया कि उसकी निशानियाँ क्या है, तो यदि देखना चाहो तो देखो, जो छोटा अभी का जन्मा हुआ बच्चा, जो अभी मदर के वूम से बाहर निकला है, राइट, तो उसको वो नहला धोल वो एकदम साफ सुथरा करके फिर नर्स लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, यस, अपनी माँ को वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। अब जिस बच्चे को सच में कुछ भी ज्ञान नहीं है, राइट, वो भी अपनी मदर की ब्रेस्ट को सक करने लगता है, अपना पोषण वहां से प्राप्त करने लगता है। ये कैसे हुआ, इट शोज ये पहली बार का नहीं है, इसको अभ्यास है, इसका कई बार जन्म हो चुका है और इससे पहले कई माताओं का ये दूध पी चुका है। दूसरा, टेरेस में ले जा करके किसी छोटे बच्चे को भी तुम ऐसे करो, है ना, उसको डराओ तो वो तुरंत तुम्हारे पास आने के लिए वो कूदता है। क्यों, कभी मरा नहीं है तो फिर मरने का डर कैसा, जिसका अनुभव हमको नहीं होता तो उससे हम डरते नहीं है ना, आग के पास बच्चा जाएगा नहीं, देखो तुम क्यों नहीं जाता भाई, उसको कैसे पता कि ये आग है, ये जला देगी और मैं मर जाऊंगा या मैं जल जाऊंगा। मौत का डर, ये भी पुनर्जन्म में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और तीसरी बात, ऐसे कई प्रकार के हमको वो मिलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं, ये बनी घटनाएं हैं, पेपर्स में कभी कभी आती हैं और शायद आपने भी पढ़ी होगी और शायद इंटरनेट भी आपको मदद करे, ये खोजना चाहो तो खोज सकते हो। देर आर पीपल जिनको अपने पिछले वाले जन्म की सारी याद वैसी की वैसी। पंजाब में किसी जन्मे हुए बच्चे ने अपने माता पिता को कहा कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो द्वारका का हूँ। माता पिता पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक समय के बाद उनको भी सीरियसली लेना पड़ा। वो बच्चा आया है, स्टेशन से ही रिक्शा वाले को कहा तेरे को बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है शॉर्टकट कहाँ है। वो माता पिता को साथ लेकर के वो बच्चा घर तक गया, जो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी उसको वो जिस नाम से पुकारता था सीधा उसी नाम से उसको बुलाया। वो भी सोचने लगी कि इतना छोटा सा छोरा और मेरे पति जो मर गए हैं वो इस नाम से पुकारते थे, ये कैसे हो गया। फिर तो वो सब लोग बैठे और इसने अपनी पूरी कहानी बता दिया।
ये ऐसा एक केस मैंने अभी आपको सुनाया, इस तरह का तो कई बार आपने सुना होगा। श्रीमद् भागवत में भी सुनते हैं आप लोग, जड़ भरत को पता था कि मैं हिरण नहीं हूं, मैं पहले भरत था। इसको जाति स्मर कहते हैं, पूर्व जन्म का स्मरण होना, ये जाति स्मर। ऐसे कई आपको एग्जाम्पल्स वो खोजेंगे तो मिल जाएंगे। तो पुनर्जन्म में ये कई हमारे पास ऐसे प्रमाण है कि जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये पुनर्जन्म है। और अल्टीमेट मुझे कहना हो तो भगवद गीता को देख लो, भगवद गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि पहले वाले जन्म में तुमने अच्छे काम किए हैं तो फिर आगे वाले जन्म में जाकर के तुम पवित्र श्रीमंतों के घर जन्म लोगे, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा तो पवित्र योगियों के घरों में तुम्हारा जन्म होगा, और फिर पहले जैसी तुम्हारी बुद्धि थी वही बुद्धि इस जन्म में भी मिलती है और तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती है। छोटे से बच्चों को देखो तो कभी कभी लगे कि ये इतना छोटा है, इसको ये कैसे आता है, नहीं देखा हमने कितना अच्छा गाते हैं, कभी कितना अच्छा बजा लेते हैं, हमको लगे ये क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिखता अभी ये 8 साल का है, असल में तो ये 88 साल का है, कहीं 80 साल का होके मरा था, फिर वो घूम घाम के अभी आया है, 8 साल से फिर आया है, एक्चुअली 88 का है ना। बच्चे हमसे एक्चुअली बड़े हैं, क्योंकि कहीं हमसे पहले जन्मे हुए, फिर बड़े हुए हुए, मरे हुए, फिर बाद में आए हैं, तो ये तो वैसे तो बता वडीलो छे ही बताई। हाँ, तो अपने यहां पुनर्जन्म भी भारतीय संस्कृति का, इसमें हम मानते हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पिलर, और इसके बारे में मैंने कल ही चर्चा करी आपके पास, वो यज्ञ, ये भी भारतीय संस्कृति का महान, ये इन पांचों पिलर्स पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारी संस्कृति टिकी हुई है। तो पुनर्जन्म की बात आती है, ये सारी की सारी बातें ऐसी है जो हमारे यहां बार बार हम सबको समझाई जाती है। अब तो फिर श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने कलयुग इन राजवंशों का वर्णन किया, कलयुग में कई दोष हैं, उनसे बचने के लिए भगवान का नाम कीर्तन ही उपाय है, ये कहा, भूमि गीत बताया है, और 4 प्रकार के प्रलयों की चर्चा करी, नित्य प्रलय होता है, नैमित्तिक प्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय होता है। अब ज़्यादा मैं आपका सिर नहीं खाऊँ, ये ज़्यादा जानेंगे तो फिर वो जितना जानते जाएं उतना फिर दिमाग भरता जाता है और शायद आपको कठिन भी पड़े। पर सीधा साधा मैं एक वाक्य में ही थोड़ा सा बता देना चाहूँ तो सीधी बात, हम रोज सो जाते हैं वो नित्य प्रलय है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी के शरीर में वो सारे के सारे जीव समा जाते हैं, ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं 1 कल्प के बाद, 14 मन्वंतर के बाद, ये तो ब्रह्मा जी जो विश्राम करते हैं ये नैमित्तिक प्रलय है। इसके बाद कभी ब्रह्मा जी भी जय श्री कृष्ण हो जाते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी भी मर जाएं तो ये हो गया प्राकृतिक प्रलय। और चौथा आत्यंतिक प्रलय है, ये अति का भी अंत, अति अंत, अत्यंत, ठीक है ना। तो ये क्या है, बोले जीव और शिव ये एक हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सारे बंधन जितने भी हमने कर्म किए थे वो सब वो भुगत लिए जाए या नष्ट हो जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर से शुद्ध जीव फिर शुद्ध हो जाए वही। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओधी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जू की क्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे। हे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी नहीं चदरिया, ये ज्यों की त्यों नहीं हो जाए तब तक हमको 84 के इस चक्कर में घूमना ही पड़ता। भगवान से अलग हुआ जीव फिर भगवान में जब तक मिल नहीं जाता तब तक ये सारी कसरत है, ऐसा हम मानते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा के सामने यही बात अंत में रखी है, राजा
कभी भी ये मूढ़ बुद्धि से सोचना मत कि तुम मरने वाले हो। घड़ा फूट जाता है प्यारे, माटी थोड़ी फूटती है। कपड़ा फट जाता है, आदमी थोड़ी फट जाता है, वो तो नया कपड़ा सिला करके पहन लेता है। बस यही छोटी सी बात दिमाग में बैठ जाए तो शरीर आत्मा का वस्त्र ही है। मरने वाले हो ये कभी सोचना मत, यही सोचते रहो तुम मिलने वाले हो। परमात्मा श्री हरि को मिलने की बात सोचो राजा। इसके बाद पूछा, और कुछ सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने चरणों में मस्तक नवाया है, कहा, महाराज आपने बहुत कुछ कहा, अब तो आपने जो कहा उस पर कुछ आचरण करने का समय आया है। बड़ी ये हमारे यहाँ गुजराती में बहुत अच्छा कहते हैं धर्म सांभड़ो बे घड़ी, लेकिन धर्म संभाड़ो हर घड़ी। सुनना तो हमको धर्म को दो घड़ी के लिए होता है, लेकिन संभालना जीवन भर होता है। तो इस तरह का आयोजन कभी कभी हो जाता है और हम लोगों को धर्म के बारे में कुछ ज्ञान विशेष रूप से फिर से प्राप्त हो जाता है और यही हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद तो फिर अपने रूटीन में, और वहाँ जो सुना उसको अपने रूटीन में अप्लाई करने की चेष्टा करना होता है। राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षाद् अनादिनिधनो हरि। महाराज सिद्ध हुआ, अनुग्रहित हुआ, किसी तक्षक आदि सर्प से अब मैं डर नहीं रहा हूं। जब अपने चेले को इस तरह से निर्भय हुआ देखा, गुरुदेव प्रसन्न हो गए, क्योंकि यहीं तक तुझको ला करके खड़ा करना था कि मरने से पहले डर कर मर मत जाना। जब तक मृत्यु का समय नहीं आए तब तक बिल्कुल भी हिलना डोलना मत, अपने भजन में मस्त रहना। जो भजन करते हैं उनको मृत्यु की भी मृत्यु नहीं मार सकती। परमात्मा श्री हरि का स्मरण करते रहना राजा, तुम पर प्रेम था इसलिए बस तुम्हारे पास कुछ दिन पालथी मार करके बैठ गया। ये कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज उठे हैं, अब तो अपने आसन को बगल में दबाया है, राधा कृष्णमय संसार को वंदन करते हुए जिस तरह से पधारे थे उसी तरह फिर पधार गए हैं। सभा में जय जयकार हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के जाने के बाद वहां कोई रहा नहीं, सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में पधार गए। जनमेजी ने सोचा अपने बाप को मरने नहीं दूंगा, हजारों सैनिकों को वहां तैनात कर दिया, लेकिन मृत्यु से कैसे बचोगे? तक्षक चला है, काश्यप गोत्र के एक ब्राह्मण को चलते हुए अपने साथ में देखा है, पूछा कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से परीक्षित को तक्षक डसेगा, मैं उसको झिला दूंगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। ब्राह्मण ने कहा, तो? कहा कि महाराज खड़े रहिए, मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको। दिखाने के लिए तक्षक गया है और एक हरा भरा बरगद का बहुत बड़ा पेड़, और जैसे ही जहर की ज्वाला छोड़ी वो बरगद का पेड़ वो एकदम वो राख ही बन गया। आकर के कहा, देखिए महाराज हमारा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ब्राह्मण ने कहा, शांति रख, अब देख क्या करता हूं। गए हैं वहां पर, हाथ में जल लेकर के जैसे ही उस पर छींटा दिया जल का मंत्र पढ़ करके, वो बरगद का पेड़ जितना था उससे भी बहुत अच्छा और बड़ा वाला और हरा भरा एकदम, आकर के कहा कि ले, मारने वाले से झिलाने वाला बड़ा होता है प्यारे। तक्षक ने कहा, महाराज एक ब्राह्मण होकर के दूसरे ब्राह्मण के वचन को क्यों मिथ्या करते हैं? मुझे भी उस राजा को काटने में कोई आनंद नहीं है, लेकिन शाप लगा है तो मैं भी क्या करूं, मेरी भी ड्यूटी है। ब्राह्मण को दक्षिणा चाहिए थी, दे करके उसको विदा किया है। वहां पर आया है परीक्षित की पूजा की थाली के लिए वो सब सामग्रियां जा रही थी। तक्षक छोटे से जंतु का रूप लेके बैठ गया उसमें, और इसके बाद जैसे ही थाली वहां पर रखी गई है, वैसे राजा तो कब से गुरुदेव भगवान का वरद हस्त मस्तक पर पड़ा तभी से ब्रह्म में मिला ही हुआ था, केवल शरीर था जैसे सूखा पेड़ हो। वहां पर आकर के तक्षक प्रकट हुआ है, मुंह खोला है और जहर की जैसे ही ज्वाला छोड़ी है, राजा परीक्षित का शरीर भी शांत हुआ। वैसे तो हमारे यहाँ सर्प का काटा हुआ कोई मरता है तो उसको सदगति नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो गुरुदेव भगवान के हाथ से, गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर इसने श्रीमद् भागवत रूप अमृत को पिया हुआ है, इसी वजह से आकाश में देवताओं के दुंदुभी नगाड़े बजे हैं। जय जयकार हुआ, बोलिए परीक्षित महाराज। इसके बाद जन्मेजय के सर्प सत्र की कथा है। वेदों के शाखा भेद का वर्णन किया गया है, अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में कुछ यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है, पुराणों के लक्षण बताए हैं,
हमारे यहाँ कुल 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। सारे 18 पुराणों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। उसमें एक ही ऐसा पुराण है मार्कंडेय पुराण जो किसी ऋषि के नाम से है। तो वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि की दिव्य कथा बताया। मार्कंडेय ऋषि ने उनका चरित्र बताते हुए कहा गया बहुत तपस्या करी उन्होंने और फिर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए हैं तो वो नर नारायण भगवान की दिव्य स्तुति करी है उन्होंने। इसके बाद में फिर भगवान से उन्होंने मांगा कि महाराज मुझे आपकी माया के कारण जो वो महाप्रलय होता है उसका दर्शन करना है। नर नारायण देव ने उसको मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया है। मार्कंडेय ने भगवान माया निर्मित महाप्रलय लीला का दर्शन किया। उस महाप्रलय में कोई नहीं था क्या, कुछ नहीं था क्या? बोले नहीं था। था क्या था? बोले उन्होंने पानी में एक छोटी सी टेकड़ी जैसा देखा, उस पर एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पत्ते के दोने में जाकर के देखा तो छोटे से बाल मुकुंद का दर्शन किया। यही है करार विंदे न पदार विंदम। अपने हाथ से अपने पैर को लेकर के मुखार विंदे विनिवेशयंतम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसास्मरान। दिव्य बाल मुकुंद भगवान का दर्शन हुआ है। इसके बाद में तो फिर वो प्रलय लीला समाप्त हुई। भगवान महादेव और भवानी एक समय मार्कंडेय ऋषि के आश्रम से पधारते हैं। वे दोनों भी उनके साथ संवाद करते हैं, उनको वरदान देते हैं। ये कथा है। भगवान के अंग उपांग आयुधों का रहस्य बताया। 12 महीनों में सूर्य नारायण के अलग अलग व्यूह होते हैं। 12 महीने में एक एक सूर्य नारायण, उनके साथ एक ऋषि, एक गंधर्व, एक अप्सरा, एक नाग, एक यक्ष और एक राक्षस, ये सब एक साथ रहते हैं और ये सूर्य नारायण इस तरह से आसमान में ये चलते हैं, इसका वर्णन है। 12 अध्याय में समस्त श्रीमद् भागवत के सभी विषयों की संक्षेप से अनुक्रमणिका बताया है। पुराणों की श्लोक संख्या बताकर श्रीमद् भागवत का महत्व वर्णन किया है और अंतिम मंगलाचरण श्री सुत पुराणी के द्वारा नैमिषारण्य में। कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगिन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य के ध्यान के द्वारा ही श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ था। सत्यं परम धीमहि, इन्हीं शब्दों के साथ भगवान वेदव्यास इस दिव्य पुराण को परिपूर्ण करते हैं। इस अंतिम श्लोक में ये कहना चाहते हैं भगवान नारायण ने ही ये ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था। भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी का रूप लेकर श्री नारद जी को इस पुराण का उपदेश किया था। भगवान नारायण ने ही नारद जी का रूप लेकर के भगवान वेदव्यास को इस पुराण का उपदेश किया था। भगवान नारायण ने ही भगवान वेदव्यास का रूप लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज को इस शास्त्र का उपदेश किया था और भगवान नारायण ने ही श्री सुखदेव जी महाराज का रूप लेकर के सबके सामने परीक्षित आदि सबको भागवत सुनाया था। इसी परंपरा में सुनाने वाले तो भगवान ही हैं। जब भी भागवत बोली जाती है वक्ता अपने अंगत राग द्वेष को नहीं बोलता, सबके कल्याण की बात चलती है, भक्तों के चरित्र की बात चलती है। जब भगवान के चरित्र की बात चलती है तो वो भगवान बोले वही भागवत, और भागवत तो भगवान ही सुनते हैं सुनाते हैं। श्रोताओं के हृदय में बैठकर के भी भागवत को सुनने वाले भगवान ही हैं। वक्ता के हृदय में बैठकर, डोंगरे जी महाराज कहते थे, वक्ता के हृदय में बैठकर के ठाकुर जी उसको प्रेरणा करते हैं, आम बोल ऐसे बोल ऐसे बोल, भगवान प्रेरणा करते हैं। परमात्मा श्री हरि परम सत्य स्वरूप हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
अंतिम चार श्लोकों में भगवान वासुदेव को वंदन, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम, जन्म जन्म भक्ति की प्राप्ति हो यह याचना, और अंतिम श्लोक में श्री हरि को फिर से प्रणाम किया गया है। आपको अच्छा लगे तो इन चारों श्लोकों का हम सब साथ मिल करके पारायण करें। जैसे मैं बोलता चलूं आप मुझे साथ दें और आप उसी चीज को रिपीट करिएगा। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगिन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्प दष्टं यो विष्णुरातम् अमुमुचत् भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों का विनाश कर देता है, जिनको किया हुआ प्रणाम समस्त दुखों का विनाश कर देता है, ऐसे उस परम हरि के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम 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 है। इसी तरह से आइए हम सब ने मिलकर के उस परमात्मा के साथ दिव्य यात्रा करी। बस यही उनसे कहना है, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, पानी बनू चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं,
चंदन बनो, मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, बनो धागा बनो। माला में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग बनो मैं श्रोता बनूं, वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में संग में रहे।
माता जी ने मुझे कुछ पद लिख करके दिए थे कि ये सुनाना, उसमें अभी एक रह गया है, मुझे पता है, लेकिन कुछ रहने दो, फिर मेम्फिस आऊंगा पक्का, ठीक है। ओवर टू नेक्स्ट कथा। आइए परमात्मा श्री हरि के चरणों में यह संपूर्ण अनुष्ठान समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भगवान के नाम से ही हमने इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया था, भगवान के नाम से ही इसको विराम की ओर ले चलें, भाव और प्रेम से, केवल 2-3 बार बोलेंगे, प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार एक बेटे ने मां की स्मृति में जिस प्रकार से इस भागवत ज्ञान यज्ञ को किया है, हम सब आज मिलकर के परम आनंद के रूप में हम सब ने इसको शुरू किया था, परम आनंदमयी ही यह यात्रा रही, हम सब आनंद से इसको चलाए हैं और भगवान की कृपा से आज आनंदमयी अवस्था में ही हम इसको विराम की ओर ले चलते हैं। तब याद करते हैं हम पूरे प्रसंग को, मुस्कुराते हुए ठाकुर इस प्रसन्न वेंकटेश्वर भगवान के पास से दोपहर में हम सब लोगों ने पोथी जी पधराया, आनंद से हम पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए भगवान श्री हरि को वंदन करते हुए पोथी जी को हमने यहाँ पधराया। तब से लेकर के अब तक सारे के सारे प्रसंग बहुत ही अच्छी तरह से हम सब लोगों ने किया। अब वैसे क्या कहें, सब बेटों को ऐसा ही होना चाहिए, उनकी माताजी को भी श्रीमद् भागवत प्रिय ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, हरि नाम उनको प्रिय होगा, इसी वजह से आज उनको याद करके भी हम सब लोगों ने प्रेम से इतना नाम लिया, क्योंकि मैं कथा में भी आपको बीच में याद दिलाता रहा तो यहाँ बैठ करके कई लोगों ने हरि नाम लिया होगा, हम सब मिल करके हम लोगों ने जितना भी भगवान नाम लिया है सब इस पवित्र आत्मा के, जिन्होंने कृपा करके हम सबको यह भागवत कथा का
दुर्लभ संयोग सुलभ बना दिया। हम उनको प्रणाम करें और जो कुछ भी हमने यहाँ बैठकर के हरि नाम लिया हो सब उनको प्रेम से समर्पित करें। पूरा परिवार राजभाई और हमारे यहाँ संस्कृति फाउंडेशन के हमारे प्रतिनिधि के रूप में अभी अरविंद भाई पटेल काम कर रहे हैं, उनके साथ वे कॉन्टेक्ट में रहे और फिर ये जिस तरह से ये सब करना था वो किया। वैसे तो इसका मूल तो भारत में पड़ा है एकदम, और भी घुसें अंदर घुसें तो जूनागढ़ तक जाती है बात। चंद्रिका बहन पटेल और उनके परिवार का कोई सगे संबंधी होंगे, उन सब के परिवारों में भागवत कथा हो रही थी और बड़े पैमाने पर कुछ 3-4 हज़ार लोग वहाँ जूनागढ़ में भी भोजन करते थे और इतनी बड़ी कथा और उसमें याद वो हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे को वैसे आँख से जानते थे पर वैसी कोई बात नहीं, और पता भी नहीं था मुझे कि इनके भी मन में चल रहा है कि एक यज्ञ मेरे यहाँ भी होने वाला है। उन्होंने वहाँ पूरे दिन बैठ करके कथा सुनी, उसके बाद फिर उनको भी मन हुआ तो वे भी राजकोट में फिर उन्होंने यज्ञ किया, वो तो और भी अच्छे ढंग से हुआ। और फिर वहाँ से ही उनके मन में ये कथा का मन में था कि ये बहुत अच्छे ढंग से होती है करके, और फिर ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और फिर मैंने तो सुना कि मोना बहन और ये तो एक दूसरे की बड़ी बहन और छोटी बहन लगती हैं, तो ये दोनों बहनों ने फिर आपस में बात करी होगी कि भाई घर में इस तरह से भागवत कथा के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर चंद्रिका बहन ने यही हुआ था ना, कहा कि भाई अब बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे पास है और नॉट जस्ट कि कथाकार कौन है ये कह दूंगी और फिर मैं इसमें से अपने आप को हटा लूँगी या वेकेशन में कहीं चली जाऊँगी, आई विल बी हियर फॉर एवर। तो वहाँ से बात निश्चित हुई, वहाँ से लेकर के आज कथा विराम हो रहा है। तब तक बहुत अच्छा लगता था मुझे देखने के लिए, मुझे लगा एक दो दिन फिर आना होगा और फिर पता नहीं 1.25 घंटे जिसका घर दूर हो और फिर भी कथा में हमारे साथ ही पहुंच जाए, ये भी देखने को। ये कथा प्रीति भी है और वो आप लोगों के लिए भी प्रेम है, ऐसे ही लगा कि बिल्कुल घर के सभ्यों के, और वैसे ही है। तो बड़े प्रेम से देखो, बड़ी बहन हो तो ऐसी हो कि छोटी बहन को कथा दे तो ये बड़े आनंद की बात। और हम सब ने मिल करके फिर जिस परिवार ने भी इसका आयोजन किया तो फिर वो घर में आओ मेड़ो जामियो तो अजी चालू जाए, तो मैं भी उसमें शरीक हो पाया, मैं भी तो सबका दर्शन करता था, मुझे भी बड़ा आनंद मिला। पहले ही दिन ये सब सेट कर रहे थे तभी राजभाई ने कहा कि हमको भागवत कथा की तैयारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो लेकिन तब ऐसा तुम बोल रहे थे लेकिन मैं देख रहा था, देखो हर जगह पर देखो तो अपनी ओर से जितना भी परफेक्शन हो सके, इन दोनों को मैंने एकदम आराम करते एकदम बैठे हुए कभी नहीं देखा। 7 दिन में मैं उसी घर में था फिर भी मैंने इनको ना सोए देखा, ना थक करके बैठे हुए देखा है, ना कभी मुंह पर वो उत्साह नहीं हो ऐसा देखा है। और ये ऐसे क्यों नहीं होंगे जो इतने उनके सगे संबंधी सब ऐसे ही हैं, जब देखो बदयाम खिलेला फूल जेवा जो गम्मे त्यार जोन तुम्हें। तो बहुत अच्छे लग रहा था ये सब, ये वातावरण बहुत अच्छा ठाकुर जी ने हम सबको दिया। और आज भी टेबल पर सब यही बात कर रहे थे कि इतने दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। बस भगवान श्री हरि हम सबको ये सत्संग वाले सुख के दिन, वैसे सुख के दिन बीत जाएं पता नहीं चलता ये हम सब कहते हैं, लेकिन या दुख के दिन नहीं वो जल्दी जाते नहीं ऐसा लगता है, लेकिन परमात्मा से कहेंगे कि सुख दो लेकिन वो सत्संग वाला सुख दो, ताकि वो सुख ऐसा हो कि हमारी संपत्ति के साथ फिर सन्मति भी हो। क्योंकि संपत्ति होगी संतति भी होगी लेकिन सन्मति नहीं होगी तो फिर वो रथ तो कहाँ जाएगा पता नहीं। भगवान श्री हरि की बड़ी कृपा है राजभाई, आप लोगों के परिवारों पर भगवान की बड़ी कृपा है। सन्मति सबसे पहले है और मुझे पक्का भरोसा है, मैं माँ से मिला नहीं कभी इनकी, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत धर्ममयी होनी चाहिए, बहुत संस्कारों में इनका भी इंटरेस्ट होना चाहिए और उन्होंने अपने बच्चों को भी क्या दिया है ये तो दिखता ही दिखता है। परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना, आप सबके बच्चे आपसे भी और आगे जाएंगे, लेकिन जो संस्कार और कथा प्रेम आप लोगों में है भगवान को प्रार्थना करता हूँ आपके वंश में भी ये चीज़ हमेशा के लिए रहे, ताकि इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती रहे। और मेम्फिस में भी कथाओं का आयोजन कम होता है लेकिन देखो ठाकुर जी अब तो हर साल एक न एक दिन वो कुछ न कुछ अवसर दे रहे हैं। केतन भाई कह रहे थे कि 5-1 साल तो हो गए हर साल कुछ न कुछ सत्संग मिलता है, तो बिल्कुल भगवान श्री हरि करे कि स्टैंडर्ड वाला सत्संग, ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए और कमर्शियल जैसा लगे ये वो, ऐसे नहीं। ठाकुर जी कृपा करें कि सही वाले लोग आकर के आपको भगवान की श्री हरि की कथाएं सुनाएं। मंदिर के भी सारे पदाधिकारी और जो भी थे सब, पुजारी जी पहले दिन जिस तरह से मंत्र बोल करके आशीर्वाद दे रहे थे और यह स्थान भी जिस तरह से दिया गया, और मेरे जैसा पागल वक्ता
जिसको कहा हो कि 7 बजे पूरा करना हो, 7:45 तक अभी भी आज भी चल रहा है, मतलब वो बगड़ियों तो बगड़ियों चे हुए हर खुदा तुझ नहीं। रोज कहा गया था कि वो पहले दिन यहाँ से नाम सुता, मेरे मन में इम्प्रेशन ये थी कि 4 से 7 तक कथा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह यही लिखा हुआ था। तो क्योंकि आपको जैसे पता है मैं ऑलरेडी 1 दिन का ही बीच में गैप मिला, बाकी ये 3री कथा पूरी होने जा रही है। तो इस तरह से ये उधर अपने लुईविल में भी भगवान का ये भागवत का ही सत्संग प्राप्त हुआ, फिर शिकागो जलाराम मंदिर में भी मिला, और अब ये भी यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। तो वो तो देख लेते हैं अपने कि ये पोस्टर में क्या लिखा है, उस तरह से चलना है। तो वही 4 से 7 मन में लेकर के ही बैठा था। फिर यहाँ करके केतन भाई ने कहा कि एवरीडे 4:30 to 8, तो मैंने उनकी ओर देखा, फिर इनकी ओर देखा, तो इन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कथा प्रेम है कि तुमने कहा कि आधा घंटा ज़्यादा मिले तो अच्छा, अपने तो ये हमको तो लूटो जितना लूट सकते हो। मैं तो यही कहता हूँ यूजर्स, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर के ही हम लोगों को पढ़ाया है, हमको एक पैसा कहीं नहीं देना पड़ा। तो गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री के चरणों में बैठ करके वे दुनिया भर में घूमते हैं, और आप जैसे लोग सब मिल करके वहाँ बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ा, तो समाज ने ही पढ़ाया है, तो फिर समाज की सेवा में आधा घंटा ज़्यादा देने में या 1 घंटा ज़्यादा देने में मेरा कुछ जाता नहीं, ये नहीं, मेरा और आधा घंटा मैं सफल ही करता हूँ। जब भगवान का नाम लेता हूँ तो सफल ही करता हूँ। तो बहुत अच्छे से भगवान श्री हरि की कृपा से ये तीसरा आयोजन भी ठाकुर जी की कृपा से कहीं प्रेम में। देखो भाई, मुझे तो किसी की प्रशंसा, और वो उन्होंने मुझे आँख से इशारा भी ऐसा नहीं किया कभी कि थोड़ा हमारे बारे में भी बोलना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हम सबका ये अनुभव, कहीं भी अभिमान और ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये डॉक्टर होने के बाद इतना डाउन टू अर्थ आदमी हो सकता है, मैंने तो पहली बार देखा है भाई। नहीं तो डॉक्टर 24 घंटा डॉक्टर होता है, वो भूलता ही नहीं है। लेकिन एक बार भी इन्होंने मेरे किसी खाने पीने की आदतों को, सोने उठने की आदतों को, बैठने की, उन्होंने अपने प्रोफेशन को कहीं बीच में, वो केवल अपनी माँ के बेटे थे सबसे पहले, और दूसरा ये आयोजक थे जो कथा सुनना चाहते हैं। इतना डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व हो, ये भी माँ के आशीर्वाद से ही हुआ होगा, और भगवान श्री हरि कृपा करें कि ये माँ के आशीर्वाद और आपको प्राप्त हो, आपके बच्चों को भी प्राप्त हो। और सबसे अंत में आप सब लोग, आप दोनों ने भी बड़ा साथ दिया, ये मेरे साथ 1.5 महीने से घूम रहे हैं, जैसे इनका ना कोई घर है ना कुछ है। भरत भाई को तो हमने संकट मोचन के रूप में ही लिया है, मैं तो इनको 2-3 बार बोला कि आप संकट मोचन हो, क्योंकि फिर मेरे साथ वालों को वो वीज़ा वगैरह सब वो गड़बड़ हुई, तो फिर आपको बस एक कॉल और फिर वे तुरंत पधारे। और प्रकाश भाई का तो कुछ भी स्वार्थ नहीं, लेकिन और आपको दिखता नहीं है, ये एकदम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन सालों से कथा सुनने वाले और सालों से सत्संग कराने वाले और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वहाँ डिट्रॉइट में सालों से भगवान का नाम सबको लेने और लिवाने वाले लोग, तो इसी तरह से है। बाकी इंडिया से तो आप एक जना हुआ था, फिर ये सब मंडली बन गई, और फिर इस तरह से ये कथा यात्रा चल रही है। पूज्य भाई श्री के आशीर्वाद से हम लोग ये सब कर रहे हैं। रेशमा बेन भी यहाँ सेवक के रूप में आ गई, और उनसे भी जितना बन पड़ा उन्होंने सेवा किया, तो हम सब मिल करके भगवान का नाम ले सके, हम सबको प्रणाम करते हैं। और मेरे सभी श्रोता भाई बहन, आगे वाली कुर्सियाँ तो कहाँ जाते, ये तो इनके घर में तो कथा थी, इनको तो आना ही था, लेकिन आप लोग आए, फिर बैठे, फिर सुना भी, समझे भी, और जब तक मैं यहाँ से पूरा नहीं करूँ तब तक सब के सब लोग प्रेम से बैठ करके कथा सुनते रहे। आप सबको भी आनंद आ रहा था मुझे पता है, लेकिन आपके आनंद को देखकर फिर मुझे भी आनंद आ रहा था। और थैंक्स टू टेंपल के ये सब वो जो हैं, वो उन लोगों ने हमको मना नहीं किया कि भाई ये जल्दी ये समय पूरा हुआ तो बंद करो, अपने तो 1-1 घंटे तक आगे कथा गई है, तो भगवान की कृपा से ही ये सब हो सका। यहाँ रसोई में सेवा करने वाले, और फिर ये हमारा माइक का भी संकट मोचन कानन भाई, तो आपका भी आभार धन्यवाद है कि आपने भी बहुत अच्छे से ये संभाल के रखा, क्योंकि इस पर बड़ी बहुत जिम्मेदारी है, इस पर बड़ा आधार होता है, तो ये सब हम कर पाए प्रभु की कृपा, और उस वजह से हम अच्छे से ये सब कर पाए। तो सब के लिए केतन भाई और उनके, ये तो एकदम जैसे चंद्रिका बेन के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लगता है कि इनकी अपनी कथा थी, वैसे एकदम इनको तो मैं देखता हूँ तो ये तो कहना क्या, इनकी सच में इनकी अपनी ही कथा है। दोनों जने और उनकी वो बेटी भी और सब लोग आकर के यहाँ आकर के बहुत अच्छे से, और प्रसाद जी ना अपने टेंपल, तो प्रसाद जी वो भी यहाँ विराजमान होते ही हैं, और एकदम वो उनके जैसा डाउन टू अर्थ आदमी भी खोजना मुश्किल है।
और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने यहाँ प्लम्बर भी मैं ही हूँ और स्वीपर भी मैं सब, और मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो वो बोले कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी ने किया कराया है। तो तिरुपति भगवान ये मुस्कुराते हुए वेंकटेश्वर भगवान विराजमान हैं, आपको खूब स्वास्थ्य दे और इस स्थान में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहें और उसमें आपका पूरा सपोर्ट मिलता रहे, इस तरह की भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप सभी के लिए खूब प्रेम और व्यासपीठ पर बैठा हूँ, सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद की कामना, सबकी मति धर्म में रहे, सबके कर्म धर्म की ओर लगे रहें, परमात्मा की कृपा हम पर है ही है, हमको अनुभव भी हो, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हुआ आइए हरये नमः मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे और फिर जय जयकार करेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं चन्द्रं भजे। जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीद्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। Namaste. First of all, I want to congratulate all of you on this satsang. I mean, it's a great thing. I mean, I've been here for a few minutes and I can see the positive energy here. Very quickly, I want to kind of mention two things about the things happening in the temple. In about a few weeks, on September 8th, we have a Ganesh Nimarjan event coming up. It's a day-long event that happens at the temple. I can stand so you guys can see now. Okay.
So for this event, I mean, it's a, like I said, it's a day-long event where people from all over the Mid-South come in and can you hear me now? Okay, good. Okay, all right. So so please do stop by and kind of like be part of that event. Like I said, it's a day-long event. We also have Janmashtami celebrations happening on the same day. So we have different events for kids. The kids will probably kind of like come in costumes of different gods and goddesses, and you can see them roaming around in the campus. We have Dahi Handi in the morning. We have all kinds of cultural events happening. And because this is a Ganesh Nimarjanam event, you will see floats from different parts of the country and different parts of India being displayed there. You guys can come in and kind of like see all those things that people associate with their culture. Can you guys hear me? Okay, I'm going to sit and talk in this mic. You guys have seen enough of me, I guess. So so please do come to that event. Again, it's the entry for the event is free. We have food available, and then you guys can actually enjoy the good food. Ketan Bhai always has a stall there for all of us, so you guys can come in and enjoy the good food there as well. We also have another event coming up in November. Again, you know our organization is called India Cultural Center and Temple. You guys seen the temple. We also do certain events to promote the culture, our Indian culture, that kind of transcends generations, so our new generation can also feel what our Indian culture is about. And this is a fundraising event we are conducting in November. This is showcasing two great Kuchipudi bands.